जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है।
क्योंकि आपका बैंकिंग का कोर्स ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 महीने में ही रहता है, लेकिन मुझे 1 साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है, तो इतना प्रेशर था जब मैं एग्जाम दे रही थी आरआरबी क्लर्क, मेरे सारे क्वेश्चन हो चुके थे, मतलब तो मैथ तो काफ़ी बचे थे, 12 मिनट के भी 65 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, लेकिन एक जो प्रेशर सबका आंखों के सामने आया, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर, अब मेरे पास सिर्फ एक एग्जाम का आरआरबी भी है, प्री क्वालिफाइड था, मेंस देने गए, कोई प्रेशर नहीं है, अब लास्ट एग्जाम है, मुझे कैसे भी करना है, नहीं तो फिर 1 साल मेंस दिया नहीं निकला, 11 लोगों ने हम लोगों ने मेंस दिया था, सबका निकला एकेडमी, तो मुझे लगा कि यार क्या है, कितनी मुझे किस्मत पाई है, मतलब सबका एग्जाम निकला है सिर्फ मेरे ही नहीं निकला, मार्क्स आए, मार्क्स दे के 15 नंबर एक्स्ट्रा, कहाँ रुकी जी, कितने नंबर थे, आधे नंबर, मैंने कहा यार देखो किस्मत है, लेकिन एक हफ्ते मैंने देखा, मैंने कहा यार किस्मत ही नहीं, जहाँ 15 नंबर एक्स्ट्रा थे वहाँ 25 भी हो सकते, मैंने मेमोरी में जितने सारे जो एग्जाम में आए थे क्वेश्चन मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आई हूँ, ये तो मुझसे बन सकते थे, लेकिन वो एग्जाम प्रेशर में मैं जो क्वेश्चन कर नहीं पाई, मैंने कहा आप इन्हीं पर मत करना, और उस साल मेरे तीन ना निकलने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था, मैंने वर्ड प्रॉब्लम में करती थी क्योंकि मुझे लगा कि DI से अपना एग्जाम क्वालिफाइड हो जाता तो वर्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब कट ऑफ इतना हाई जा रहा है कि जैसे SBI का 80 बन गया 83 है, तो मुझे लगा कि अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर रही हूँ तो एग्ज़ाम निकलना पॉसिबल नहीं, मैंने 1 साल वर्ड प्रॉब्लम में फिर से ट्राई किया, सर से परमिशन लेकर अगेन क्लास अटेंड की, मतलब ऐसा हो गया था कि मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ तो मुझे शर्म आती थी कि यार मैं कितनी क्लास लूँगी, लेकिन मुझे जरूरी लगा, मैंने कहा बेशरम बन जाओ, क्लास में बैठ जाओ, पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, इतना टाइम लगा दिया है, पैसे लगा दिए हैं, कुछ रिजल्ट अगर मैं दूँगी तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, और उन लोगों को भी एक जवाब रहेगा जो ये कह रहे थे कि निधि कभी कुछ कर नहीं सकता, पूरा साल मैंने एनालाइज किया कहाँ गलती हुई, किस्मत को दोष देना बंद कर दिया, क्योंकि जो एग्जाम नहीं निकल रहा है कहीं ना कहीं आपकी कमी ही है, मैंने इतने सारे टेस्ट, जब मैंने 18 में UP से भरा था, MP से वैकेंसी बहुत कम थी, मैंने UP से अप्लाई किया, UP से मैंने इतने सारे 150 या 200 मेंस के टेस्ट मैंने उस पूरे साल लगा दिया, प्री तो ऐसा था मैंने प्रैक्टिस की थी तो प्री मुझे लगा रही थी, लेकिन मैंने रोज एक मेंस का भी लगाया, क्योंकि मेंस को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, आप सोचो कि आप मैथ भी देना कहीं तक हो प्री कम्प्लीट नहीं, मेंस में आपको साथ में GA कम्प्लीट करना बहुत जरूरी है साथ, क्योंकि मैं GA से सेक्शनल रोक चुकी हूँ, अपना कंप्यूटर से मैं सेक्शनल रोक चुकी हूँ, तो इन चीज़ों को साथ में बात करना, और एक गलती और मेरी रहती थी कि जब मेंस करता था ना मैं 1 महीने पहले ही कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस करूँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है, मैक्सिमम को यही गलती है, आप साथ में पढ़ो, जब भी आप एग्जाम टाइम पर रिवाइज करो, नहीं तो आप इतना कन्फ्यूज हो गए कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं, UP में एग्जाम देने गई फ्री दे के निकली, मेरे फेस पे स्माइल थी क्योंकि मैं श्योर थी मेरा फ्री निकल गया, मेरे साथ 4 बच्चे जो 4 स्टूडेंट रहे थे साथ में, वो थोड़ा सा इतना मतलब उन्हें फेस लग रहा था कि बहुत चांसेस कम थे, लेकिन मैं जब निकली तो मेरे पेरेंट्स को इतना प्राउड हुआ कि ये इतनी खुश होकर आ रही है, अभी से श्योर है कि इसका निकल जाए, देन मेंस की बात, मेंस में भी कहीं ना कहीं श्योर थी कि चांसेस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी क्योंकि आगे जाके कैसा पेपर आया है कोई श्योर थी, मैंने मेंस दिया, मेंस भी मैं कंप्लीट करके आई, अच्छा था क्वालिफाइड हुआ, मतलब 7 बजे ऐसा था उस कंट्री को एग्जाम की तरह टाइम जो मेरे नहीं थी, 7:30 बजे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे रोना बहुत कम होता है, लेकिन जब आता है मतलब मुझे बहुत कोई चीज़ हट कर दी, मुझे मैंने घर पर फ़ोन करके कहा था, मैंने कहा आप मुझे एग्जाम ही देना, हो गया जितना होने का, अब मैं मतलब दिसंबर में घर आया, तो घर वालों ने इतनी मेहनत की है, ऐसा करो जितने फॉर्म भरे हैं वो दे के आ जाओ, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था ऐसा ना हो कि एग्जाम एक एक नंबर से रुक रहे हैं तो ये डिप्रेशन में ना, तो उन्हें भी ये था कि तुम तो एग्जाम दे के आ जाओ, मैंने तुम्हें भेजे ही नहीं था कि तुम जॉब लेके आओ, मेरा तो ये था कि तुम बाहर जाओ थोड़ी सी एक्टिव हो जाओ, कि कहीं जाना हो तुम्हें हो कि पापा चल रहे हो क्या, नहीं तुम खुद जाने के लिए इतने कैपेबल हो जाओ, मैंने कहा चलो दिया रिजल्ट, तो मतलब 1 घंटे बाद ही रिजल्ट आया जिसमें था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तो जब आप ये लाइन देखते हो ना IBPS की साइड से कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, अमेजिंग, मतलब आप लोगों के रिजल्ट
रिजल्ट पे जब आप लोग ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाली लाइन देखोगे ना, जब आप लोगों को फील होगा कि कितना अच्छा लगता है, तो थैंक यू से कॉन्ग्रेचुलेशन तक का जो एक सफर रहता है ना, वो जितना टफ है उतना ही अच्छा भी। जब इंटरव्यू का होगा, अच्छा इंटरव्यू मेरा था, लेकिन इंटरव्यू सब तैयारी सब कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स मॉर्निंग से उनकी तैयारी कर रहे हैं कि दीदी से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये जवाब दे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जवाब दे। उस तारीख मैं शायद दिवाली पे 2 दिन के लिए घर गई थी, गई हूँ और आ गई, क्योंकि मेरे दिमाग में था मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन में तैयारी करवाई सर लोगों ने, तैयारी थी, हर क्वेश्चन का जवाब था मेरे पास। इंटरव्यू में मैंने हर क्वेश्चन का आंसर किया, लेकिन गलती कमाल थी कि मैं इतनी डर रही थी कि मतलब कुछ भी आंसर दे रही थी तो वो अलग समझ में आ रहा था कि ये डर नहीं है। इंटरव्यू में जितने भी लोग थे वो इतना मुझे कम्फर्ट फील कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब घर तो डर है, वो तो जाने वाला है नहीं है। लेकिन फिर इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट तो रुका 0.0, वेटिंग मिली मुझे 1 साल। मैंने कहा यार अब ये मेहनत है या किस्मत में क्या करूँ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक और था, क्योंकि मेरा उसी टाइम पर रेवेन्यू में भी हो गया, एफएक्स बैंक हुआ है, साथ में रेवेन्यू भी मेरा निकला था। एफएक्स में वेटिंग आ गई, उसमें भी 1 साल का वेट किया, स्टे लग गया, मैंने कहा चलो कभी तो स्टे हटे गए, जॉब तो एक कन्फर्म है। रेवेन्यू में हुआ, रेवेन्यू में भी इलेक्शन आ गए, 1-6 महीने के लिए रुक गई थी, मैंने कहा चलो घर तो पहुँच ही गए, क्या कर सकते हैं, वो टाइम वेस्ट किया क्योंकि मेरे पास जॉब आ गई थी, तो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन सर की एक बात याद थी, सर ने कहा था जब रेवेन्यू का रिजल्ट आया तो सर ने कहा कि खुश मत हो जाना, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब नहीं लग रही, तो बस वो बात मेरे दिमाग में थी कि खुश नहीं होना है इस जॉब में जाके। जीए का मैंने राशन सर के टच में रही कि सर जीए का बताते रहिए कि मैं कंटिन्यू करते थे, सर ने बताया ये साइड फॉलो करो, मैंने सर को हमेशा देखा, सर पढ़ाते भी थे, साथ में सर ने कहा था राजन सर ने कि मेरी मैथ ठीक है, तो मैंने कहा मैथ तो मेरी भी ठीक है, लेकिन सर ने कहा कि प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन डाल, सर ने कहा था पहले आने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा और एक क्वेश्चन उन्होंने वही किया, मैंने कहा कि 20% इस साल, मैंने कहा इसे मैथ ठीक होना कहते हैं तो हमारी मैथ तो कुछ है ही नहीं है। फिर मैंने कहा अभी और टाइम प्रैक्टिस की जरूरत तो है, घर पहुँच के कुछ टाइम तो ट्राई किया, लेकिन जैसे ज्वाइनिंग आई कुछ मतलब सब एक साइड हो गया, मैंने कहा कि अब ठीक है पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर पापा ने कहा कि तुम्हें अब इसी जॉब में कुछ हो जाना है तो फिर टाइम तो तुम बाहर, ये 1 घंटे के लिए तो पढ़ रहे हो ये भी बंद कर, थोड़ी सी बात चेंज तो हुई, लेकिन कभी कभी विश्रम बन जाते ना, तो ठीक है वो 1 ही घंटे कंटिन्यू रहा, फिर से एग्ज़ाम दिया, आधा घंटे फ्री तो निकल ही जाता था, मेन्स अगेन मैंने दिया, मुझे एक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस था कि निकल जाएगा क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, लेकिन शायद तो मेरा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, क्योंकि मैं जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करती थी मैं सबमिट कर देती थी, मैंने कहा हो जाए, लेकिन मेंस दिया नहीं, इतना ज़्यादा मुझे लगा यार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर रही, नहीं आपको रिजल्ट दे देता है कि आप कॉन्फिडेंस रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आओ। नेक्स्ट ईयर 2020 फिर से वोट डाला, 2020 में घर पर ऐसी सिचुएशन हो गई, मैंने मेरे पापा को बोला अगस्त में, अब मेरे लिए एक सिचुएशन थी डू और डाई, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर भी है भाई भी है, भले ही मुझे फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं एक जो लाइफ मैंने जी है इन लोगों को देने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं उस मुकाम पर हूँ कि कल को उन लोगों को ये ना रहे कि यार पापा नहीं है तो मैं ये पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे एक छोटी सी जॉब में वो सहना पड़ेगा। नहीं मुझे कहीं ना कहीं एक ट्राई तो फिर से लेना, सेप्टेम्बर में फ्री था, कष्ट तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैंने कहा ट्राई तो करना है, मैंने फ्री दिया, फ्री निकल गया, लकी थोड़ी सी किस्मत भी अच्छी थी कि फ्री सॉरी मेन्स जो था वो पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से, मुझे 2-3 महीने का टाइम मिला। ऑफिस में तो ऐसा रहता था कि सबको पता था इसका फ्री क्वालिफाइड है, तो मुझे 2 सेक्शन का चार्ज दे दिया, क्योंकि बहुत लोगों की ये मेंटेलिटी रहती है कि भैया कोई आगे ना बढ़े, और उन्हें तो एक ऐसा गधा मिला था जो कंटिन्यू काम करे जा रहा है बिना किसी कंप्लेंट, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे पास 2 साल का पेंडिंग वर्क था, मैंने वो कंप्लीट किया तो मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया था, सर लोगों के अंडर में रह रहे थे काफ़ी सीख गए थे, तो सबका ये था कि यार ये जाने ये गधा मेरे ऑफिस से भी जाना चाहिए, मैंने कहा कि मैं कोशिश तो ऐसी करूँगी कि मैं निकल के दिखाऊंगी यहाँ से, और मैं हमेशा से बोलती थी कि मैं रिटायरमेंट रेवेन्यू से तो बिल्कुल नहीं,
मैं कहीं ऐसी पोस्ट पे जाऊंगी जहां से मैं रिटायर होकर कहूँ कि हाँ आज मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। वहाँ मैंने मेंस दिया, ऑफिस में मैं जैसे बीच में टाइम मिलता था तो मैं जीए पढ़ती रहती थी कंटिन्यू, जीए पढ़ा मंथली रोज का पढ़ा, पीपी सॉल्व किया फिर उसको, फिर मंथली जो क्विज आते थे फिर मैंने उसको भी सॉल्व किया। रात को मेरी जो ऑफिस की टाइमिंग थी वो 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक, 5:30 से ऑफिस जाने के बाद एक एक घंटे का रेस्ट, खाना मैंने खाया रात को 10 बजे से लेके फिर मैं सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई करती थी क्योंकि मेरे पास एग्जाम था जो मुझे क्वालिफाइड करना ही था। 5 बजे मैंने रेस्ट किया, 9:30 बजे सोकर उठी, 9:30 बजे रेडी होकर 10:30 पे ऑफिस। ये और ये जो टाइम का शेड्यूल था मेरे सर थे कलेक्टर में, डिप्टी कलेक्टर थे इस टाइम पर राहुल सलाटिया सर है इसी साइड के, तो उनको मैंने देखा वो IAS की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आप कुछ पूछने जाओ आप जैसे ही पीछे हो वो अपनी डिग्री स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा यार डिप्टी कलेक्टर होते ये बंदा इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं तो क्लरिकल पे ही हूँ। मैंने कहा एक ट्राई तो बनता है, मैंने रूटीन उनका फॉलो किया। पहले मैंने सर से पूछा सर कैसे आप पढ़ाई करते हो इतना ज़्यादा डेडिकेशन, कहते कि अगर आपकी लाइफ में कोई मोटिव भी नहीं रहेगा तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसी लाइफ का कोई मतलब है। आप सोचो आप एक जॉब में आके खुश हो गए हो तो ये कोई सही बात नहीं, आप कम से कम इतने बन जाओ कैपेबल कि एक रहे कि मैंने ये एग्जाम भी दिया है ये एग्जाम भी दिया है उसको क्वालिफाइड किया है इसको फेलर हुआ है। मैंने कहा दूंगी मैं भी ऐसे ट्राई करूँगी, मैंने ट्राई किया रिजल्ट भी मुझे मिला। मैंने जितना ऑफिस में बैठ के था मैं कंटिन्यू जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर ली, घर पे आए एक घंटे कंप्यूटर पढ़ा, थोड़ा सा हिंदी को टाइम दिया, टेस्ट लगाए। उन 3 से 4 महीनों में मैंने ट्राई किया कि मेरे 30-40 मेंस के टेस्ट लग गए। लकीली मुझे 12 दिन की छुट्टी मिल गई ऑफिस से क्योंकि मैं बहुत टाइम से अप्लाई कर रही थी तो मुझे मिली। मैंने उसमें अपना पूरा कंप्लीट किया जनरल अवेयरनेस जितना भी मैंने पढ़ा हुआ था, सिर्फ रिवाइज किया कुछ टेस्ट जो और एक्स्ट्रा थे मैंने दिन में 2-2 टेस्ट कराए मेंस के क्योंकि मुझे पता था कि टेस्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने टेस्ट किया एग्जाम देके आए, थोड़ा सा डाउट तो था मन में कि कंप्यूटर थोड़ा सा टफ आया था लेकिन मुझे लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट आया, रिजल्ट में जब मैंने देखा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस सॉरी इंटरव्यू, मैंने कहा रिजल्ट मिला है मेहनत का, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, सर से बात की। लेकिन उस टाइम पर भी ऐसा हुआ कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैंने कहा आ जाओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा देंगे। लेकिन मैं शायद 1-2 दिन पहले ही आ पाई थी, आई नहीं थी। और 1-2 दिन पहले भी मुझे ऐसा मिला था चांस कि मैंने बोला सर इंटरव्यू 4 दिन चलता है क्योंकि 1 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है देन इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू 1 दिन में हो नहीं पाता क्योंकि मेरा एंड से नाम पड़ता है तो मैं लास्ट में होंगी तो वो नेक्स्ट डे ही शिफ्ट होने लगा है। तो सर ने कहा चल ठीक है फिर 3-4 दिन की छुट्टी दे, छुट्टी की परमिशन मिल गई, इंटरव्यू देने आ गई। इंटरव्यू में तो मैंने 2 साल रेवेन्यू में वर्क किया, उसका एक एक रिजल्ट मुझे मिला। 6 बजे गए थे शाम को लास्ट इंटरव्यू था, 11 बजे मैं एंटर हो गई थी, कुछ खाया नहीं। 6 बजे ऐसी हालत होने लगी, मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू तो पॉसिबल नहीं है कि मैं दे पाऊँगी, लेकिन बैठी रही मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आए। जैसे ही नंबर का टाइम आया उन लोगों का नाश्ते का टाइम हो गया, मैंने कहा मैं भूख भी बैठी हूँ इधर नाश्ता चल रहा है, एक बंद हुआ वो लोग नाश्ता कर रहे थे। उसी टाइम पर एक सर आए तो सर ने कहा कि मैडम आप कहीं जॉब करते हैं, उस सर सबसे पूछ रहे। तो मैंने कहा मां सर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हूँ। तो सर ने कहा अच्छा कौन सी पोस्ट पर, मैंने कहा सर क्लर्क पोस्ट पर। ओके फिर वो किसी सर को लेके आए तो मैडम उन्होंने सर ने मुझे बुलाया कि मैम एक मिनट, कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि सर आप सॉरी मैम आप सर से मिल के जाइएगा बाद में। तो मैंने ऐसे पूछती है मैंने कहा मैं क्यों मिल के जाऊँगी, मैं जानती थोड़ी हूँ कि मैं इंटरव्यू के बाद मैं मिल के जाऊँगा, 6 बजे आए। तो फिर सर ने बोला कि सर चेयरमैन है हेड ऑफिस, सर बिल्कुल मैं लेके जाऊंगी। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं सर से मिलकर थोड़ी सा नर्वस फील करने लगी थी क्योंकि एकदम से ये बोलना कि सर चेयरमैन है हमारे हेड ऑफिस के। तो फिर मैं बैठ गई अपनी चेयर पे जाके वेट कर रही थी। 10 बजी मैं एंटर हुई, नर्वस तो थी, जैसे एंटर हुई मैं भूल गई कि आके अंदर बोलना क्या पड़ता है, मतलब आपको पेश करना है, मैं भूल गई। लेकिन कहीं ना कहीं इतना डर नहीं था, मैंने कहा नॉर्मल सी चीज़ है, मिल गई तो मिल गई, तो एक ट्राई और करो। एंटर हुई लेकिन मैं इतनी स्लो स्लो चल रही थी,
चेयर तक पहुँचते पहुँचते मुझे याद आया गुड इवनिंग विश करना है। मैंने कहा गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बैठिए दीदी, थैंक यू सर। मेरे सबसे पहले क्वेश्चन था आप रेवेन्यू को छोड़कर, इतनी अच्छी जॉब है हम लोग, मतलब वो 100% गवर्नमेंट है और ये पब्लिक सेक्टर। मैंने कहा सर दूर से देखेंगे क्योंकि जितनी अच्छी दिखती है, उधर जब जाओगे तभी पता चलेगा कि क्या है एक्चुअल। और मैंने कहा सर करप्शन मेरे बस की बात नहीं है, मैं जिस सीट पर मैंने 2 साल वर्क किया है पर डे की इनकम 5,000 थी और मैं जिनके अंडर में थी वो मेरे नाम से पैसे लेते थे, मुझे ये पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं 5 कंप्लीट करके सिर्फ एक इनिशियल कर रही हूँ, 5 में 5 वही बढ़ा था। और उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ की अप्रिशिएट नहीं किया कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। मैंने एक एक चीज़ सबको बताई, मैंने कहा सर प्रमोशन कुछ नहीं है, इंक्रीमेंट कुछ नहीं है, मैं जिस पोस्ट पर सिलेक्ट हुई हूँ रिटायर थी इसी पोस्ट से हुई हूँ। कहते नहीं और प्रमोशन तो पॉलिटिक्स का है, जब आप ग्रेड 3 पर हो ग्रेड 2 ग्रेड 1। मैंने कहा सर इतना ईजी नहीं है जितना आप बोल रहे हो, ग्रेड 1 पे तो जो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे आता है वो भी कलेक्टर नहीं बन सकता इतनी जल्दी। तो अच्छा कहते कि चलो दीदी छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ क्या करके आए हो। तो मैंने कहा कि सर मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, आप पूछिए सर मैं ट्राई करूँगी, मैं क्वेश्चन करने बात करूँ। तो कहते हैं कि अच्छा तो ऐसे नहीं टॉपिक बताओ, मतलब किसान बिल पढ़ा है, न्यू शिक्षा नीति पढ़ के आई हूँ मैं, और करंट में भी सीधा को उत्तराखंड में कुछ हुआ था जिसमें वो थर्मल प्लांट बह गए थे, मैंने कहा सर इनके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की है। नहीं नहीं ये तो हम सुबह से सुन रहे हैं, कुछ और बताओ। मैंने कहा क्या बताऊँ मैं, तो फिर कहते हैं ऐसा बताओ बैंकिंग में क्या पढ़ के आया। मैंने कहा सर बैंकिंग में मैंने RBI पढ़ा है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के आई हूँ, नाबार्ड। तो कहते हैं अच्छा नाबार्ड का नाम क्यों लिया। तो बच्चे यहाँ एक गलती करते हैं जो शायद पिछले इंटरव्यू में मैंने भी की थी, जैसे आप नाबार्ड सुनते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, आप सिर्फ एक चीज देखते हो कि नाबार्ड, आप बताओ कि नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट यहाँ हुई, नाबार्ड का एक हेडक्वार्टर ये है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नाबार्ड का नाम क्यों है। मैंने कहा सर क्योंकि नाबार्ड भी RRP को रेगुलेट करता है और RRP को जो PSF का 75% मेंटेन करना पड़ता है, अगर वो नहीं कर पाता है तो RIDF में उसे पेनल्टी लगती है। तो वो लोग बहुत इंप्रेस हुए मेरे आंसर, कहते कि बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, थैंक यू सर। कहते RIDF के बारे में बताओ फिर। सर सॉरी RIDF का सिर्फ फुल फॉर्म ही पता है मुझे, डिटेल कुछ भी नहीं पता है। तो कहते चलो कोई ना तुम फुल फॉर्म बताओ, हम ट्राई करेंगे कि तुम्हें समझ में आए। मैंने बताया सर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। कहते अब आप इसी से समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर मुझे क्या समझ में आ गया था, फिर उन्होंने पूरा क्लियर भी किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी रहता है वो इसमें रहता है। कहा ओके सर। फिर एक सर ने पूछा कि अच्छा छतरपुर में क्या चल रहा है अभी रिसेंट में। तो मैंने कहा सर छतरपुर में तो मुझे याद नहीं है, मैं 15 दिन से इंदौर में हूँ, तो अभी क्या चल रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा कहते कि अच्छा ये बताओ कि अभी जो खजाओ गलत महोत्सव ने कहा, हाँ हाँ सर खजाओ गलत महोत्सव चल रहा है। कहते कि ये तो ठीक है मैंने बता दिया, वहाँ जो मशहूर नृत्यांगना आई है उनका नाम बताओ। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे डांस करने की। तो कहते चलो कोई ना। फिर सर ने कहा मैम से, मैम आप पूछिए मैम से। तो वो मैम कहते हैं नहीं सर मैडम को फंसाने का मजा नहीं आ रहा है क्योंकि मैडम पढ़ के आई हैं, तो मन नहीं कर रहा कुछ भी पूछने का। तो सर ने कहा फिर भी आप कुछ पूछ लीजिए। तो बस मैम ने पूछा कि आप वैक्सीन के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने बताया सर कोविशील्ड कोवैक्सीन। तो कहते हैं कि अच्छा, मैंने कहा सर मैं कोविशील्ड लगवा के भी आई हूँ। कहते हैं अच्छा फर्स्ट डोज लग गया होगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मुझे सेकेंड डोज ही लग गया। तो कहते लग गया, हम तो 65 वाले हैं हमें नहीं लगा अभी तक। तो मैंने कहा सर मैं फ्रंटलाइन वॉरियर में थी, मेरी ड्यूटी करी थी कोविड टाइम पे, इसलिए हमें तो नोटिस की धमकी दे के लगवाई गई है वैक्सीन, क्योंकि जो थर्ड टाइम हुआ है वो हमारी ऊपर ही हुआ। चलो आप तो ऐसा करो कि कुछ सिम्टम बताओ कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा है शिक्षा। तो मैंने कहा सर कुछ नहीं नॉर्मल सी, जो आप वैक्सीन लगवाने जाते हो फीवर है यही सब और कुछ नहीं है। कहते अच्छा मतलब हम लगवा सकते हैं सेफ है। मैंने कहा सर मुझे 15 डेज हो गए हैं तो सेफ है आप लगवा सकते हैं। सर मैंने कहा चलिए दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने कहा थैंक यू सर। तो मिलते हैं फिर बैंक में। तो मैंने कहा बिल्कुल सर आप बुलाइए, मैं बिल्कुल इंतजार ही कर रही हूँ कि कब आप लोग बुला मुझे बैंक में। कहते ओके फिर चॉकलेट लेके जाइएगा। मैंने एक स्माइल दी, मैंने कहा कहते यार नहीं लेके जाइएगा।
फिर मैंने एक चॉकलेट दी, फिर एक मैम कहती नहीं मैम आप दो चॉकलेट लेके आई, मैंने कहा मैं तीन ही लेके जाऊंगी, और मैंने तीन चार चॉकलेट उठाए मैं वापस आए। फिर मैं चेयरमैन सर से मिले, चेयरमैन सर से भी नॉर्मल बात थी, सर ने कहा कि दीदी बहुत कम लोग आते हैं जो मतलब ये डिसीजन ले कि डेवलपमेंट के बाद आप एंट्री आ रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा। फिर सर ने एक और करके बुलवाया तो छतरपुर से ही बिलोंग करते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो कहते हैं कि मैंने कहा सर मैं इनसे तो जरूर कॉन्टैक्ट में रहूँगी क्योंकि मेरे लिए आगे बहुत सही रहेगा कोचिंग के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट में रहना। और बस फिर रिजल्ट तो आपके हाथ में ही है, मुझे 92 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, जो मतलब जब रिजल्ट आया मुझे ये पता था मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, मेरे लिए 13 मार्क्स से एक्स्ट्रा थे, तो मुझे ये था कि अगर मेरे 90 मार्क्स आते हैं तो ही मेरे चांस है सिलेक्शन। जब रिजल्ट आया मैंने नाम देखा कि मुझे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सिलेक्ट किया गया है, मैंने कहा यार इंटरव्यू में 90 मार्क्स सच में मिलते क्या, जब मैंने देखा काउंट 92 मार्क्स मुझे मिले थे, मतलब मेरे घर में जब सबको ये पता चला कि मुझे 92 मार्क्स आउट ऑफ 100 इंटरव्यू में मिले हैं, तो मतलब जो लोग ये बोलते थे कि निधि जी पर पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, वो आज अपने बच्चों की काउंसलिंग मेरे के लिए मेरे पास आते हैं कि अब क्या कराना चाहिए, बैंकिंग कराऊं क्या, मैंने कहा बिल्कुल आप कराओ, बस ये मत सोचना कि आपके बच्चे पैसे खर्च कर रहे हैं आपके बर्बाद, मैंने कहा वो यूटिलाइज कर रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट ही है वो जो आपको इन्वेस्ट के साथ मिलेगा, तो बस किराना की दुकान खोल दो, लड़कियों की शादी कर दो,
कहीं कट के बैंक में लोन लेने जाएंगे मुद्रा योजना के तहत, अभी मैं मुद्रा योजना के तहत लोन प्रोवाइड करने की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो आप भी कहोगे कि पान की घुटनी हमें खोलना है और बैंक से लोन लेने जाओ। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैरियर तो बहुत सारे आते हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में रहते हैं बैरियर, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको झेलने के लिए जो मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वो कहीं और से नहीं मिलती, उसे अपने अंदर बनाना होता है। जैसे इन्हें अभी अपने बारे में कहा कि इनके पिताजी की डेथ हो गई अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में इन्हें अपना एग्जाम दिया। अब ये इच्छा शक्ति आप लोग सोचो कि एक महीने पहले घर में ऐसी स्थिति हुई और उसके बाद ये फ्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप सोचिए ये पिताजी के इनके आशीर्वाद ही नहीं है, ये तैयारी कितने समय से कर रही थी, और उसी दौरान इनका प्री एग्जाम निकला, वही मेंस निकला, वही इंटरव्यू निकला, और आज ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का असिस्टेंट मैनेजर के पद पर। हमारा एक एग्जाम नहीं निकलता, कभी हम 2 मार्क्स से रह गए, कभी 3 मार्क्स से रह गए, और हम दूसरा कोई ऑप्शन चुनने लग जाते हैं, प्लान भी बनाने लग जाते हैं। प्लान भी बनाना चाहिए, लेकिन प्लान बी के चक्कर में प्लान ए को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखो, कितनी सारी समस्याएं थी इनके सामने, लेकिन फिर भी, और आप, मैं आप लोगों को यहां पर समझा भी रहा हूं और साथ में डांट भी रहा हूं, जो कि आज मुझे नहीं करना चाहिए। वैसे क्लास में भी बहुत देखता हूं बच्चों को, आप हंसी मजाक करते हैं ज्यादा, चीजों को लाइटली लेते हैं, वो चीज सही नहीं होती भविष्य के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी मिले हैं जो बाद में सिलेक्शन लेने के बाद ये बताते हैं कि सर शुरुआती दौर में हमने 1 साल तक सिर्फ टाइम पास किया, मतलब जो वो कॉलेज वाली लाइफ है उसको आकर के कोचिंग में जीने का सोचा और जिए भी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में सिर्फ नुकसान होता है, पैसे का नहीं। पैसा तो आप किसी कोचिंग में भी भरोगे 8,000, 10,000, 12,000 रुपए, ये दोबारा आ जाएगा, लेकिन वो जो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का जो समय व्यतीत होता है वो अमूल्य है, वो कभी लौट के नहीं आता। तो इनके जीवनी से, इनकी आत्मकथा से आप ये समझें कि किसी भी बड़े कार्य को करना है अगर आपको, तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर आप सोचें कि हंसी मजाक में चीजें हो जाएं, कुछ एक जादू की छड़ी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इन्हें अपने जीवन के बारे में बताया, वैसे मैं अपने जीवन के बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो 2 बातें मैं कहूंगा। 2017 में मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, और सर को भी पता है, सभी लोगों को, 17 दिसंबर 2017 को डेथ हुई थी, और 10 जनवरी 2018 मतलब करीब करीब ये 13 और 10 23, 22 दिन बाद मैंने 10 जनवरी को सीएमसी में क्लास लिया था उस वाली में, 22 दिन बाद। और जानते हैं उसके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या था? मैडम ने शायद आपको बताया नहीं होगा, लेकिन इनके पास होने के पीछे प्रेरणा स्रोत यही रहा होगा कि मैं अपने पिताजी को बताना चाहती थी कि मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनके पिताजी ये जानने के पहले ही चले गए। तो वो इनके अंदर एक प्रेरणा स्रोत था, जिन्हें कहा मोटिव, तो वो एक प्रेरणा स्रोत इनके अंदर, और सिलेक्शन दे दिया। गाड़ी बंद पड़ जाती है अगर, तो आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति आगे से गाड़ी को खींच रहा हो, आप 4 लोग हैं और आगे से ऐसे गाड़ी को खींच रहे हैं, हमेशा गाड़ी को पीछे से धक्का दिया जाता है जब गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो वैसे भी हमारी लाइफ में पुश करने वाला कोई होना चाहिए, धक्का देने वाला होना चाहिए। आप लाइन में खड़े हो, आप लाइन में तभी आगे बढ़ते हो जब पीछे वाला व्यक्ति कहता है भाई साहब चले, तभी हम आगे जाते हैं। अब वो जो प्रेरणा स्रोत है वो आपको चूज करना पड़ेगा, क्या आप अपने माता पिता को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हो,
अपने दोस्तों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हो, या ट्विटर पर जो मूवी आएगी साथी में जरूर आना, इस तरीके का कोई प्रेरणा स्रोत हो, बस प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, कुल मिलाकर के बात यह। और बार बार मैं कहता हूं, व्यक्ति या बच्चा कोई भी अगर फेल होता है ना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आलसी। आलसी ही सबसे बड़ा रीजन है। ये 10:30 बजे से 5 बजे अपने ऑफिस से आए, ये रिलैक्स हो जाते, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लगी हुई, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी मैं यहां पर आता हूं। जानते हैं तुम, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने अनुभव आप तक पहुंचाना चाहता हूं, कि जो मैंने 8 सालों में 8.5 सालों में सीखा है, जाना है, वो अनुभव मैं आपको दे पाऊं। रिलैक्स नहीं होना कभी लाइफ में, एक मोटिवेशनल फैक्टर हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए। आप प्रेरणा लेते रहे हमेशा, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता ना हो। विवेकानंद जी ये बात कहते हैं कि व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, किसी व्यक्ति से बात करके, ये जो आप YouTube में देखते रहते हैं संदीप माहेश्वरी, नहीं सोनू शर्मा, अगर आपको इनको देखने की जरूरत पड़ गई है बार बार, हर हफ्ते कि 6 दिन परेशान हो गए पढ़ाई करके, और 7वें दिन संडे के दिन बैठे बिस्तर में लेते हुए सोनू शर्मा को सुन रहे हैं और संदीप माहेश्वरी, ये नहीं, आपसे लोग प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़े, हमें वैसा बनना चाहिए, ना कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत हो। जो काम आपने उठाया है उसको लास्ट तक अंजाम तक पहुंचाओ, अदरवाइज वो काम मत उठाओ। मैं हमेशा सभी लोगों से ये बात कहता हूं कि किसी भी डिसीजन को लेना है तो उसके बारे में 1000 बार सोचो, और अगर वो डिसीजन ले लिया है तो फिर मत सोचो, फिर उसको साबित करने का सोचना है, चाहे वो डिसीजन सही हो या गलत, उसको साबित करना है। बाकी इतनी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आप लोगों के मन में जो भी भविष्य को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर के, या बैंक में कैसे प्रमोशन होता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं, किसी भी प्रकार का सवाल है कि बैंक में सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, और आगे बैंक में सिलेक्शन लेने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, कि हम इसी पद पर ना रह करके और आगे बढ़ते चले जाए, तो वो सारी बातें आप बैंक से पूछ सकते हैं, एक एक करके जिसे भी लगे अपने डाउट पूछ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आपकी स्ट्रीट में स्ट्रॉन्ग हो,
मन जिस चीज में लगना, जैसे मुझे तीन दिन में लगता था कि मेरा अच्छा पॉइंट है, मैथ मेरी वीक थी, तो मैं रीजनिंग को ट्राई करती थी कि मैं और कितना स्ट्रॉन्ग करूँ। तो जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रीजनिंग में पजल कंटिन्यू करूँ। प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएशन है, आज कोई भी पजल आती है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप पजल स्किप कर दो, जो इजी क्वेश्चन हो रीजनिंग में वो अटेंड कर लो। मैं कभी स्किप नहीं करती, मैं ढूंढती हूँ कि पजल कहाँ है, मैं उसको सॉल्व कर लूँ, क्योंकि मुझे किसी भी पजल को सॉल्व करने में 2.5 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, इवन मेंस के लिए भी कर लो। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जैसे अगर मैथ में इंटरेस्ट हो, आप मैथ को ट्राई करो। मुझे भी कभी कभी लगता था यार नहीं पढ़, लेकिन मैं क्योंकि मेरी इतनी वीक थी तो मैंने कहा कि नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, बिना इसके कुछ पॉसिबल ही नहीं। मैथ इतनी मैंने सॉल्व की, SSC केरल कैट की बुक सॉल्व की। तो ये है कि आप पहले तो देखो कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका। बहुत बोले उस चीज़ को पहले, कभी ऐसा लग रहा अभी पढ़ाई में मन है, जिस चीज़ में अगर पढ़ाई में मन है, जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि आप पीछे हो, फिर उस चीज़ को ट्राई करो। लेकिन ये बिल्कुल मैं नहीं इसकी मतलब कहूँगी कि ये बिल्कुल सही बात है कि आप बोल रहे हो कि ब्रेक हो रहा पढ़ाई में, नहीं ये नहीं होना चाहिए। ये आपको खुद ट्राई करना है कि आपको कहाँ जाना है, लाइब्रेरी जाना है या बवल कुआ में घूमना है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो, है ना। आपके सवाल का जवाब मिला, मैं क्या कहना चाह रही हूँ yes, क्योंकि देखिए मैं फैक्ट बताऊँ, ये फर्स्ट टाइम है अभी तक सेमिनार मैंने अटेंड किए हैं, आज पहली बार है। उधर से इधर तक आने का जो सफर है जितना टफ है उतना ही अच्छा भी है। तो मुझे भी नहीं पता कि आप लोगों के सवाल के जवाब मैं उतने अच्छे तरीके से दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं ट्राई तो एटलीस्ट कर ही सकती हूँ। मैं मतलब 6 महीने से लगातार पढ़ रहा हूँ और आप प्री मेंस दोनों कर रहे हो साथ में और आपका प्री नहीं निकल रहा है 1-2 मार्क्स, तो उसके बाद आप मेंस को प्री की स्ट्रेटेजी क्या? देखिए मैं बताऊँ, बैंक में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास एक एग्जाम नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ एग्जाम होते ही रहते। अभी RRB का सीजन चल रहा है, 2 बार RRB PO क्लर्क, देन IBPS PO क्लर्क, उसके बाद इतने मणिपाल यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम होते हैं। आप सब में ट्राई करो, आप जैसे चलो सपोज नहीं निकला उसको कमी नहीं होगी प्रैक्टिस में कि इसकी वजह से आपका फ्री नहीं निकला, हो सकता है वो कमी आप मैथ में कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट में कर जाए। हाँ वो बैंक में बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, 1 नंबर आधा नंबर ये कंप्लीट करने में भी बहुत टाइम मिलता है। फिर से ट्राई करो, बस मैं ये कहूँगी कि आप उस तैयारी को छोड़ना नहीं। देखो 1 नंबर रह गया मतलब आपकी स्ट्रेटेजी तो सही है, क्योंकि आप 1 नंबर से ही पीछे हो, इतने नंबर तक आपको आना है। इस बार का जैसे कट ऑफ 55 समथिंग गया है ना, 53 मार्क्स को आए हैं आपके, 1 नंबर कम जो पड़े हैं, आपको ये ट्राई करना है कि अगली बार 5 नंबर हम एक्स्ट्रा लें और टेस्ट लगाओ। जैसे अभी आपने कितने टेस्ट डाला करती हूँ? नहीं नहीं रोज की टेस्ट बताओ, दो टेस्ट मैं बैंक के साथ लगा देती हूँ, मैं बैंक से आके एक टेस्ट मैं बैंक में ट्राई करती हूँ कि मैं कंप्लीट करूँ। मुझे 5 मिनट का भी टाइम लगता है, मैं एक पजल सॉल्व करके टेस्ट कर देती हूँ, एक मुझे बैंक से आके मुझे देने ही देना है। तो अभी 2 टेस्ट बहुत कम, मैंने जो तैयारी की थी मेरा 6 टेस्ट का टारगेट था, अगर 6 टेस्ट में कंप्लीट नहीं करती थी मैं लाइब्रेरी में घूमी रहती थी, भले 8:30 बजे या 9 बजे। नहीं पहले देखिए भले ही साथ में पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आपकी जो पहली प्रायोरिटी आपका फ्री ही है, जब तक आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे आप 5वीं सीढ़ी पे कैसे चढ़ सकते हो, है ना। उसको फ्री के लिए थोड़ा सा टाइम दो, 2 की जगह मैं कहूँगी कि आप इतने आगे जा रहे हो 4 टेस्ट लगाओ, मेन 1 दिन में नहीं हो पा रहा आप 2 दिन में लगाओ। लेकिन जैसे कि आपको खुद लगेगा जब आपने फ्री का टेस्ट दिया, आपको खुद अंदर से लगने लगेगा कि हाँ अब मेरा फ्री निकल जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि फ्री के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं फ्री में जाऊँगी मुझे पता है फ्री निकल जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके इतने टेस्ट लग जाएंगे कि अपने आप लगेगा कि हाँ अब मैं 15 दिन पहले भी पढ़ूंगी। जैसे इस साल मैंने जो भी फ्री दिया है मैंने शायद ये है कि 1 हफ्ते 15 दिन ही पढ़ाई कर पाई हूँ, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है, लेकिन वो 15 दिन भी मैंने रोज के 2 टेस्ट कभी 3 टेस्ट मैंने ट्राई किए हैं। उसके साथ मुझे मेन्स भी पढ़ना है, क्योंकि मेन्स जितना नाम भी है वो हैवी मेन्स ही है ना, और हर सब्जेक्ट को क्वालिफाइड करना, आप जितने लोगों ने मेन्स दिया होगा वो समझते हैं।
और जिसको हमने नहीं दिया वो जब देंगे वो जब समझेंगे ना। तो बस यही है कि वो आप गलती कर रहे हो टेस्ट, आपको वो गलती को सुधारना है। इतने टेस्ट करा लो, मैं जब एग्जाम देने जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं मुंह भी दे रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि मेरे टेस्ट बहुत ज़्यादा लग चुके। आप और टेस्ट कराओ, 2 से 4 बढ़ाओ, है ना। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करें एक साथ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में अपन टारगेट बनाते हैं कि मुझे दिन भर इतना पढ़ना है और ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन दिन खत्म हो जाता है और टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, ऐसा लगता है कि टाइम कम पड़ गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सब सब्जेक्ट इक्वली कवर होते जाए और अपन को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ मैं कुछ इतना पढ़ना था मैंने आज पढ़ लिया। मैं एक बात बताऊँ, मैंने बोला मैं 6 टेस्ट लगाना है मेरा फिक्स रहता था, ठीक है ये हाँ ये टारगेट भी बोल सकते, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे कुछ भी हो जाए, मतलब आपने सोच लिया कि 2 घंटे मैथ, 7 दिनों आपने मैथ को दे दिया, 9 से 12 आपने दे दिया कि मैं रीजनिंग करूँगी, उसके बाद आपने जिए, ये टाइम डिसाइड मत करो। मेरे हिसाब से तो जब आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन, जैसे मेरा रहता था मैं मॉर्निंग में आ बने जाती थी, मुझे बहुत नींद आती क्योंकि मतलब 7 बजे से लाइब्रेरी में बैठना और रात को भी अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो मुझे तो बहुत नींद आती है। 7 बजे से आगे मुझे पता था मैं रीजनिंग में मुझसे बच जाए, मैं स्टार्टिंग ही पजल से करती थी, नींद भगी, मैंने 9 बजे से स्टार्ट किया, फिर मैंने मैथ स्टार्ट कर दिया। कभी ऐसा होता था कि 7 बजे से रीजनिंग की जगह मैं मैथ भी लगा देती, वो टाइम अपने आप डिवाइड हो जाता। एक तो आप, मैं बस बताऊंगी कि आप टेस्ट कराओगे, मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे तो आपको आपकी कमी पता चलेगी कि आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो चीज़ अच्छी है उसको कितना अच्छा बनाना है, जो पीछे है उसको कैसे अपन को आगे लेके आना है। टारगेट फिक्स मत करो, टारगेट मतलब कि टाइमिंग का कि 7 दिनों रीजनिंग तो रीजनिंग ही हो, नहीं 7 दिनों मैथ मान है तो मैथ कर रहा। ऐसा भी होता है ना कि इंटरेस्ट जैसे मुझे रीजनिंग पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, जीए पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मैथ इंग्लिश में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, तो मैं ये होता है कि वो पढ़ो। देखो इसके बिना पॉसिबल है तो फिर मुझे भी ऐसा लगता था यार मैं जैसे मैंने लास्ट ईयर का एग्जाम दिया तो मैं पूरा जैसे रीजनिंग जीए सब कुछ कर लिया, जैसे मैथ की बारी आती थी तो मैं कहती थी अरे यार कर लूँ, इतना तो मैंने पढ़ लिया है कि 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। एग्जाम वाले दिन मेरे पास सफिशेंट टाइम था 30 मिनट, क्योंकि मैंने मॉक में 80 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, उसका रिजल्ट मुझे ये लगा मैं सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करके आई और जिसमें से भी शायद मेरे 3 गलत निकल आए, तो वो कहीं ना कहीं गलती मेरी तरफ से ही थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैं ये नहीं कहूँगी कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी कि इतना टफ नहीं, वो गलती मेरी ही थी। तो आपको ठीक है, मैं मानती हूँ कि कभी कभी लगता है कि मैथ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है नहीं करना है, लेकिन आप जितना पढ़ोगे आपको उतना इंटरेस्ट किया है। मुझे याद इतनी खुशी होती है मैं बताऊँ कि मैथ में जो मैं बोलते ना कि डम बच्चों में आते मैं उनमें से आती थी कि मैथ जैसे कुछ भी कहना मतलब कि ठीक है ये तो मैथ में आते ही, आज मैथ वाले स्टूडेंट मुझसे डाउट क्लियर करते हैं, तो ये जो डाउट क्लियर करने के लिए जो मुझे खुशी होती है मैं और ट्राई करती हूँ कि और मैथ में सॉल्व करूँ। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाँ यार बताए क्वेश्चन को, तो उसके लिए तो थैंक यू मैम। मैम इंग्लिश का टारगेट कैसे कंप्लीट करें, इंग्लिश में क्या होता है कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने लेकिन मैं बताऊँ आप टेस्ट लगा रहे हो ना तो आप ये देखो कुछ जैसे जो क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक है, आपको ये चेक करना है आप कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश ठीक है कि आपकी वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, कैसे है वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो आप टेस्ट लगाओ। मैं देखो भले इंग्लिश वीक मेरा भी रहा है और मेरी गलती ये रही कि मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस भी नहीं किया, लेकिन मैंने जब टेस्ट लगाए करती हूँ तो मुझे ये पता चला कि आप अगर टेस्ट में कुछ चीज़ें सेलेक्ट करो जो फिक्स आती हैं आती हैं आप उन्हीं पर प्रैक्टिस करो। जैसे वीक है तो मैं ट्राई करती थी कि मेरा क्वालिफाइंग से 3-4 नंबर एक्स्ट्रा हो, सफिशेंट है मेरे लिए क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट से स्कोर उठा लूँ।
तो मैं उसमें मैंने देखा कि दो, जैसे आप IBPS BO का मेंस लोगे तो दो आर्ची उसमें आएंगे लेकिन कॉम्प्रिहेंशन उनकी प्रैक्टिस इतनी कर लो कि अगर पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तो तीन आपसे बन जाए, इधर से स्कोर करो छः, एक तो आपको कुछ मिसलेनियस में भी आ जाएगा, आप वो करो, आप एक एक क्वेश्चन ऐसे देखो जो कंटिन्यू आ ही रहे हैं, आप उन पर वर्क करना है। और जब तक पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाती है और जब क्वेश्चन पर जंप करते तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाते हैं। क्या है कि टेस्ट लगाने के बाद डिसाइड मत करो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, मैक्सिमम टेस्ट लगाओ, तब तक एक क्वेश्चन भी सही होगा, कभी तो पांच क्वेश्चन भी सही होंगे और ये रिजल्ट मिलता है आपको। मैं बताऊँ जितने आप टेस्ट लगाओगे आपको डे बाई डे आपको रिजल्ट मिलेगा। जब मैंने टेस्ट स्टार्ट किए थे तो मेरे टेस्ट में 35 मार्क्स आते थे, 35 मार्क्स, कभी 40 आते थे, फ्री की मैं बता रही हूँ। जब मैंने लास्ट क्लास तक किया जब RRB क्लर्क मेरा एक ही बार निकला है, मेरे क्लर्क नहीं निकले, PO ही निकले, क्लर्क जब मैं देखे आई थी मेरे 34 मिनट में 80 क्वेश्चन हो चुके थे। तो ये क्यों, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ही रिजल्ट मिला है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही होता है, आप इंग्लिश के लिए आप ट्राई तो करो, आपने पढ़ा कोई टॉपिक पढ़ा उसके बाद ट्राई करो, एक बार नहीं आया चलो 10 क्वेश्चन आपके 10 किए थे, 9 गलत होगा, एक सही निकला, कम से कम एक ईगो इधर लाओ। एग्जाम में मत आओ कि अरे ये क्वेश्चन नहीं बनना मैं करके ही रहूँगी, नहीं, ईगो उस टाइम पे लाओ कि अरे तुम कब तक नहीं आओगे, तभी तो मेरे दिमाग में घुसो थे। आप इतने मैक्सिमम टेस्ट लगाओ कि वो 10 में से 8 क्वेश्चन भी सही आपके होने लगेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई की है। सब चीज का सिर्फ एक ही रिजल्ट है कि आप जितने टेस्ट लगाओगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। मैं मेंस के लिए कैसे क्या पढ़ाई कर रही, मेरे को समझ में नहीं आता उसमें, मतलब भूख लगाती हूँ ना, कुछ बनता है जैसे मैं बताऊँ हर सब्जेक्ट का ऐसा था कि मैं जैसे बता रही हूँ आप टेस्ट लगाओ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रहती हूँ कि आप टेस्ट लगाओ, मैक्सिमम टेस्ट, जितने आप टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आपने जैसे बताया मेंस भी आपको मुश्किल है, ठीक है, आपको मैथ रीजनिंग में टाइम देना है, GA आप कंटिन्यू करते चलो, कंप्यूटर आप रोज करें, एक दिन में कुछ पढ़ो साल पढ़ो कंटिन्यू करो, हिंदी या इंग्लिश दो भी आपका करो, मैक्सिमम आप मैथ रीजनिंग आपके जो भी रहता है ना वो टेस्ट से सॉल्व हो जाए। आप कोई भी टेस्ट लगाओ, जैसे अभी मैंने जब स्टार्ट किया था बीच में 5-6 महीने का गैप हो गया, मैंने मेंस का टेस्ट लगाया मेरे 40 मार्क्स आए, फिर मैंने किया चलो 40 मार्क्स आ रहे हैं अगले दिन तो शायद होने का 50 मार्क्स भी आए, अगले दिन 35 मार्क्स आए, मैंने कहा चलो 35 आए शायद अगली बार फिर 45 आ जाए, 30 मार्क्स आए, लेकिन फिर जब कंटिन्यू मैंने लगाया तो लास्ट क्लास तक मेरे 90-95 मार्क्स आने लगे। तो ये है कि आप कंटिन्यू कितना टेस्ट लगा रहे हो, मैं हमेशा सिर्फ एक चीज़ पर ही बोलती हूँ कि आप जितना टेस्ट लगाओगे, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिले हैं टेस्ट, मैं हमेशा 2-3 IT मैं लेके रखती थी कि मुझे ये टेस्ट उधर से लगा लो, मतलब हाथ चलने चाहिए, पेन खत्म हो पेपर भरते जाए, पर आप मतलब पढ़ रहे हो। नहीं तो बनेंगे कब तक नहीं बनेंगे, आप मॉक तो एनालाइज जरूर करो, आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे आपके मार्क्स कभी नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपने सोचा कि चलो आज टेस्ट लगाते एनालाइज कर लूँगी, आप अपने टेस्ट लगाया आप तुरंत उसके बाद 2 घंटे का टाइम दो उस टेस्ट को एनालाइज करें, देखो आपने कहाँ गलती की, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपने गलती की है तो आपको ये लगेगा यार इतना इजी क्वेश्चन था। जैसे मैंने बताया था कि जो मैं पहली बार थी मेंस लेके आई थी PO का, तो मैंने मेमोरी बोर्ड क्वेश्चन देखे जो, तो उसमें यही था कि यार इतने इजी क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो आप मॉक दो प्लस उसके बाद एनालाइज करो, उसमें देखो कि कहाँ गलती है, पजल आपने सॉल्व की, तो ये सोचो कि ये दिमाग क्यों उसने लगाया मैं क्यों नहीं लगा पाया, इतनी दम तो मैं हूँ नहीं, अगर मेरा फ्री निकल रहा है दिमाग तो है मेरे पास, हाँ तो कोई फ्री भी धीरे धीरे निकलेगा, एक बार में कोई भी एग्जाम निकलेगा, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हर चीज का सोल्यूशन है, जितने टेस्ट आप लगाओगे आप उतने परफेक्ट बनते जाओगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने वो पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे अभी से रिटिंग से इतना डर लग रहा है कि लिखने में मेरा मन कर रहा है कि क्या मैं आगे जाऊँ या मैं रुक कर थोड़ा देखूँ, मतलब
क्लास हो गई आपकी? नहीं अभी मैं सिर्फ सात आठ दिन अभी डेमो भी पूरा नहीं हुआ है। आप पहले क्लास कंप्लीट करो, जैसे आप क्लास कंप्लीट करोगे आपको खुद पता रहेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले उठाने हैं। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं आप उनको और मेहनत करो कि ये इतने अच्छे हो कि आपके क्वेश्चन गलत हो ना। इसके बाद आप जो वीक पॉइंट है, जैसे मैक्सिमम लोगों की पजल वीक पॉइंट पर रहता है कि पजल मुझे नहीं बनता, तो आप कभी भी जैसे फ्री टाइम में हो सॉल्व कर लिया, तीस दिन पजल उठा दी सॉल्व कर लिया, आप जितना मैक्सिमम हो उसके बाद पहले तो क्लास कंप्लीट करो, क्लास के साथ जितने मैक्सिमम हो उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कोई स्टार्टिंग के इसके लिए सही है, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती किसी को, क्योंकि कोई इसकी टाइमिंग रहती है 15 मिनट 15 क्वेश्चन, 20 मिनट 20 क्वेश्चन, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। आरआरबी में आपके पास 45 मिनट रहता है 80 क्वेश्चन करने के लिए, तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है आप प्रैक्टिस कर रहे हो खोज से कर लो, लेकिन मैं एक ही सजेशन दूंगी कि जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होती है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप तुरंत स्टार्ट करो टेस्ट का, भले 20 नंबर भी आ रहा हो 25 नंबर भी आ रहा हो, वो 20-25 नंबर से कब आप मेंस में 125 पे पहुंच जाओगे और प्री में 60-65 पे पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने एक एग्जाम दिया वहाँ मैंने रुका फिर इंटरव्यू रुका, तो आप अपनी कोशिश करते रहे, तो हर किसी के लिए आसान नहीं होता है कि अब जब गिवन है या रुके हैं तो आगे बढ़ना, तो ये सब कैसे आप मैनेज की, मतलब यहाँ बहुत प्रेशर होता है, ठीक है आपका प्रेशर है सोशल फैमिली एक खुद का भी होता है, तो वो सब कैसे मैनेज किया जाता है? मैं बताऊँ मुझे फैमिली से सपोर्ट था काफ़ी, भले ही ये उनको कभी ये नहीं था कि मेरी जॉब लगे, लेकिन अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो कभी ऐसा नहीं था कि नहीं यार तुम बंद करके आ जाओ, नहीं उन्होंने जितना सपोर्ट मुझे किया है, अगर मैं कहूँ कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो जितना मेरी फैमिली का सपोर्ट है उतना सीएससी का भी सपोर्ट रहा है। कोई एग्जाम नहीं निकला, दिमाग खराब हो जाता था, मैं सर के पास गई, हमने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ, सर ने कहा कि जिस सब्जेक्ट में कमी थी, जैसे मेरा पहली बार कंप्यूटर रखा था, सर ने कहा आप नेक्स्ट में तुम्हें कंप्यूटर पे फोकस करना है, मैंने कहा सर कर दूँगी मैं ट्राई करूँगी, फिर कोई एग्जाम ऐसा हुआ कंप्यूटर निकल गया जी एल हो गया, मैं फिर चली गई सर के पास, मैंने कहा सर बहुत दिमाग, बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने सर से कहा कि सर अब तो मुझे कहीं टीचिंग के लिए ट्राई करना है, क्योंकि मुझे ताने लगा शायद कि मैं किसी को पढ़ा सकती हूँ, तो सर ने कहा नहीं अभी से थोड़ा सा और टाइम दो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, शायद कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में ही कमी होगी, तो मैं सर से बिल्कुल इसके लिए थैंक यू बोलूँगी कि सर ने उस टाइम पर जो मुझे मतलब सपोर्ट किया कि नहीं अभी और ट्राई करो, वो चीज़ मुझे आज भी रिजल्ट मुझे मिल रहा है, मैंने और ट्राई किया कि कहीं ना कहीं जहाँ कमी थी मैंने उस चीज़ को और पकड़ा और उस चीज़ को और फोकस किया कि नहीं कहीं ना कहीं जो गलती की है उसको सुधारना तो बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। और किसी को पूछना था? ठीक है मुझे और साथ मतलब अच्छे से मैं कर पाऊंगी, तो मैं ये पूछ रही थी कि आगे ईयर बाय ईयर किस सब्जेक्ट में कितना चेंज कितना चेंज आ रहा है? चेंज तो मैं बताऊंगी लेवल बढ़ता जा रहा है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लेकिन मुझे लगता है आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कितना भी लेवल बढ़ता जाए वो मैटर नहीं करता, लेवल बढ़ेगा तो वो आपके लिए नहीं वो सबके लिए बढ़ेगा, आप तो प्रैक्टिस करो, लेवल कुछ भी लेवल से फिर मैटर नहीं, आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली कि आपके लिए लेवल मैटर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब सब्जेक्ट में चेंज आते जाता है, चेंज ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँगी बहुत चेंज आते हैं, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने जो आर भी दिया था उसमें शायद कंप्यूटर थोड़ा सा टफ था और हिंदी टफ थी, इस साल अभी मैंने कल फिर से एग्जाम दिया उसमें कंप्यूटर से था हिंदी से थी जीए टफ दे दिया, तो हर साल ऐसा नहीं रीजनिंग थी, रीजनिंग मेरे 20 में ही मेरे 35 क्वेश्चन हो चुके थे,
रीजनिंग पर रीजन मैं बोलूँ, मैथ थोड़ी सी टफ थी लेकिन मैथ भी हो गई, तो मैं कहूँगी कि हर साल ऐसा होता है कोई सब्जेक्ट इजी कोई सब्जेक्ट टफ, लेकिन जो टफ आ रहा है आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जो टफ आपके लिए है वो सबके लिए है। तो आप हर लेवल का मत सोचो कि मैं जब तक इस चीज़ के लिए तैयार रहूँगी एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए, फिर उसके बाद लेवल ऐसा ना हो कि हाई हो, तो आप पढ़ाई तो कंटिन्यू कर ही रहे हो ना। आप ऐसे तो है नहीं कि आप दो साल तैयारी करके आप फिर दो तीन साल ब्रेक लोगे कि हाँ अब मैं फॉर्म भरूँ, तैयारी आप कंटिन्यू करते रहोगे उस लेवल तक आप पहुँचोगी। जो लेवल आपके लिए आप बस ये सोचो जो लेवल मेरे लिए है वो सबके लिए ही है। मेन करंट अफेयर में कितने पढ़ना चाहिए ये बताओ। करंट अफेयर तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है जब सामने ही बैठे हैं। ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताऊँ कि जैसे बैंक को करंट अफेयर में न्यूज़ तो आई थी, बैंकिंग भी आई, बैंकिंग आप कंटिन्यू क्लास लो पढ़ के आप फिर पढ़ाई करो। जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया कि नाबार्ड का क्वेश्चन मैंने इतना आंसर लिया था, मैं सर ने जैसा ऐसी चीज़ लिखवाया था मैं पूरा छाप के आई थी और जिसका मुझे प्लस पॉइंट मिला है। करंट अफेयर ऐसा है कि आप रोज पढ़ो, आपने आज का पढ़ा फिर वीकली आता है उससे रिवाइज करो, वीकली के बाद देन आप फिर से उसका मंथली जो क्विज आते हैं आप उनको सॉल्व करो, उसके साथ साथ बीच में बैंकिंग के भी क्विज आते रहते हैं उनको सॉल्व करो, बस करंट अफेयर हो जाते हैं। इतना लाइटली भी नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, लेकिन हो जाता है अगर आप डेली पढ़ते हो तो करंट अफेयर कंटिन्यू हो जाता है। नहीं कल वो आर आर बी का मेन का पेपर था तो उसमें पता ही नहीं चला कहाँ पे आए थे, वो सबके लिए था, मैंने भी दिया था, मैं हटे भूल गई जा रहा, मुझे भी टफ लगा। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन आप देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी से नहीं बन गए, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन उसमें ऐसे थे अगर आपने उन्हें डिटेल में पढ़ा होता तो वो आप जरूर बन जाते। हम क्या करते हैं, गलती जो मैंने भी की है, मैं मेन मेन पॉइंट पढ़ के जाती हूँ, आप उन्हें पता है कि मेन पॉइंट सब पढ़ के आते हैं, आपको ये नहीं पूछते कि इसका विनर कौन है, आप ये पूछते हैं रनर अप कौन, तो आपको पूरी लाइन पढ़नी है कि ये इधर से जीता है, इस कंट्री का है, हर चीज़ पढ़ो। अगर आपने किसी चीज़ का जैसे जीडीपी भी पढ़ा तो आप वेट पढ़ो ना उस पीछे की कितने परसेंट बढ़ी है कम हुई है, तो कभी कभी तो रीजन भी पूछ लेता है किसी को, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप पूरा जितना भी आप मैं बताऊँ कि डिटेल में जितना पढ़ोगे आपको एग्जाम में उतना ही बेनिफिट मिलेगा। मैं मौका एनालिसिस जो है कैसे करना चाहिए, मतलब जो अटेंड ही करें वो भी एनालिस करना चाहिए या फिर जो हुई एनालाइज मतलब क्या है, पूरा टेस्ट एनालाइज करना, मतलब आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं किए वो ये देखो कि आपने क्यों नहीं, क्या रीज़न था कि मुझसे ये बननी रहे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप तैयारी कर रहे हो दैट मीन्स कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपसे बनना चाहिए, आप देखो कि उसने क्या मेथड लगाया, मैं ये मेथड क्यों नहीं लगा पा रहा, अगर नहीं कर पहले तो ट्राई करो उसको, नहीं बन रहा आपसे फिर आप सर से भी डिस्कस करो, लेकिन पहले तो ये है कि आप पूरा टेस्ट एनालाइज करो, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, वो जिस मेथड से कर रहा है ट्राई करो कि आप उस पर अपना मेथड अप्लाई करो, उसके मेथड पर मत जाओ, धीरे धीरे बस आपका आ जाएगा पूरा एनालाइज करने के बाद। अभी जैसे कॉमन टेंथ भी हो एक टाइम ऐसा भी होगा कि जब आप कहोगे कि मेरे इतने सारे अटेम्प्ट हुए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस। मैम आपने कहा ना कि दो घंटे में एनालिस हो जाना चाहिए पर कभी कभी तीन से चार घंटे भी होता है। मेरा सिर्फ एक ये है कि आप एनालाइज के लिए टाइम दो, दो घंटे फिक्स मैथ नहीं, मुझे भी तीन चार घंटे कभी कभी लग जाते हैं क्योंकि मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डी आई एस हो जाती है समझ नहीं आता, उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, तो आप मैक्सिमम जब तक पूरा टेस्ट एनालाइज ना हो जाए आप उस टेस्ट को छोड़ो मत, जब तक वो चीज़ कंप्लीट ना हो आप नेक्स्ट टेस्ट अगर स्टार्ट करते हो तो आपके वही मार्क्स आएंगे, लेकिन आप एनालाइज के बाद देखोगे ना तो आप उसको नेक्स्ट टेस्ट में अप्लाई करें कि मैंने इसमें यहाँ गलती की थी मुझे यहाँ इसको सुधारना है,
आप जैसे ही उस चीज पर कवर करोगे आपके धीरे धीरे मार्क्स भी अपने आप इंक्रीज होते जाएंगे। तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से पहले तो सबसे पहले कि आप रीडिंग करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, स्टार्ट करो। पहले तो जितने भी रूल्स हैं इंग्लिश के उनको अच्छे से पढ़ लो कि कहाँ पे कौन सी वर्ड यूज हो रहा है, प्रोवर्ब कहाँ यूज हो रही है, क्योंकि आप हर टेस्ट में अलग अलग चीज ही दे रहे हो। अभी इंग्लिश में हो रहा है, मैंने देखा था याद नहीं आ रहा था, प्रोवर्ब टाइप के दिए हुए थे। आरसी लेकिन फिक्स है, आरसी आपकी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी जितनी आप रीडिंग दोगे न्यूज़पेपर में उतनी। मैं भी स्टार्टिंग में मेरी इंग्लिश वीक थी तो सर ने कहा कि तुम कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैंने कहा एक घंटा ही पढ़ती हूँ। कहते एक घंटे में क्या समझ में आता है, मैंने कहा समझ में कुछ नहीं आता, जो समझ नहीं आता उसको अंडरलाइन बस कर लेती। इसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला सर ने कहा, जैसे सब्जेक्ट नहीं बनता मैक्सिमम टाइम दो। मैंने दो घंटे दिया, तीन घंटे दिया। अब ये है कि जहाँ दाल हिंदू न्यूज़पेपर में सिर्फ उसके क्या बोलते उसको जो चित्र बने आते थे ना उसमें वही समझ में आता था कि उससे समझ में आ जाता हाँ चलो एक्सीडेंट हुआ ये हुआ वो हुआ। अब लेकिन दाल हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है। इसका सिर्फ एक रीज़न है, उसकी मीनिंग को आप अंडरलाइन करो, उसे पढ़ो, नेक्स्ट वीडियोज को फिर रिवाइज करो, जो न्यू मीनिंग आई उनको करो धीरे धीरे। आप एक दो महीने आप जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ये मैंने खुद देखा है, जो कुछ मीनिंग ऐसे रहते हैं वो कॉमन आ जाते हैं कि आपको पता है कि हाँ इस मीनिंग का मतलब ये, फिर आपको न्यू मीनिंग निकालनी है कि हाँ अब इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे कौन सी, जैसे आपने रूल्स पढ़े इंग्लिश के वर्ब एडजेक्टिव, आप ये देखो यहाँ पे ये वर्ब यूज हुई है, हम यहाँ पे आप जैसे आरसी सॉल्व करोगे आपको वो वर्ब दिख जाएगी, आपको वो पढ़ने में बहुत ईजी रहे। फिर इसके बाद जैसे आप लोग फिलिंग दी ब्लैंक आते हैं, खुद रिलेट करने की कोशिश करो कि जैसे ये सेंटेंस आ रहा है आपसे मीनिंग बनेगी, दैट मीन्स कि आपसे फिर बिलेट भी बनने लगेंगे। आप रिलेट करने की कोशिश करो, जैसे आपने कभी कोई टेस्ट दिया क्विज किया डबल बिलेट में आपने गलती की, आप उसको एनालाइज करो कि यार ये गलती की है, मेरा दिमाग क्यों नहीं चलाया था, ये जो बोलना चाह रहा था मैं क्यों नहीं समझ पा। पढ़ो आप, फिर से रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, फिर रिवाइज करो, तब तक एक रिजल्ट तो मिलेगा कभी ना कभी। तो बस यही है कि आप स्टार्टिंग न्यूज़पेपर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, अंडरलाइन करो, जो न्यूज़ आप मीनिंग पढ़ रहे हो डेली रिवाइज करो, अपने आप धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। हाँ तो वो यही तो अपन को डिमोरलाइजेशन में तो आना नहीं है, है ना, अपन को ये है। देखो एक बात में कोई भी चीज नहीं आती, आप जब तक उस टीच पे प्रैक्टिस करते रहोगे 5 महीने 6 महीने 1 साल, आपको अपने आप आएगा कि हाँ भैया कि आ रहा है चीजें समझ में आ रही है, दिमाग में कुछ ना कुछ घुस रहा है, कुछ रिजल्ट मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं आप ये सोचो कि आप 1 महीने में आपने पढ़ा, आपने टेस्ट लगाया, आपके पास किया, आप सोचो कह रहे यार मोटर डाउन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस का ही रिजल्ट मिलता है। आप सोचो कि आपने 1 महीने पढ़ाई की नहीं आया समझ में, चलो आप मुझे बेनिफिट देना एसएससी में कर लीजिए, वो आपको रिजल्ट कभी नहीं दिलाएगी। बस 1 महीने में रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, पीछे पड़ जाओ, कब तक नहीं समझ में आएगा, कभी तो आएगा, हर चीज की एक लिमिट होती है। और आपको अगर कंफ्यूजन है किसी पैसे में माइनस मार्किंग होती है तो आप उस चीज पे स्किप करो। कभी कभी तो हमें रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आपने कभी देख लिया कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, कट ऑफ से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स थे, फिर आपको उस चीज को मैं कहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग के लिए मत जाओ क्योंकि आपको डाउट है। मैं आपको बताऊँ, मैंने 18 में IBBS PO का मेंस दिया था, तो मेरे साथ मैंने सारे 80 अटैम्प्ट करके आई थी और मैं सिर्फ 64 अटैम्प्ट करके आई थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा निकल जाएगा क्योंकि मुझे एक्यूरेसी पे पता था। 64 अटेम्प्ट में मेरे 62 मार्क्स आए थे, वो सिर्फ एक्यूरेसी के ही मुझे मिले थे, इवन मुझे मैथ में बोनस पॉइंट भी मिला था। तो कभी मैं कहूँगी उसको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग कुछ भी नेगेटिव जो आपको लग रहा है कि ये 50-50 के चांस, हाँ 80-20 के चांस है तो आप लगा दो, लेकिन आपको लग रहा है 50-50 है तो आप, मैं कहूँगी स्किप कर दो। अच्छा है
लॉजिक है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं 80% तो श्योर है उस चीज के लिए। हाँ तो आप कर दो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं पक्का है तो मैं कहूँगी कि आप फिर डिवाइस अपने आप यही डिवाइस भी होता है।
हेलो गुड आफ्टरनून मैं पास्टर पॉल आई वांट टू से हेलो मैं पास्टर पॉल आई वांट टू से यू आर लुकिंग सो क्यूट थैंक यू बाय जितना हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है उतना कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बताऊँ मेरा मैंने बताया कि मेरा सेक्शनल हो चुका था क्योंकि मैंने बहुत लाइट लिया है अभी कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप लाइट की तो बिल्कुल ले ही आपको स्कोर चुकाना है कंप्यूटर सेक्शन निकालना है प्लस आपको स्कोर भी बढ़ाना है तो कंप्यूटर मैं कहूँगी कंप्यूटर ले लीजिए हर सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपका मैथ भी ले लो कंप्यूटर ले लो जीए हिंदी तो हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है मैम इसके लिए कोई डिग्री नहीं लगती कंप्यूटर कंप्यूटर की तो कुछ नहीं लगती बैंक का फॉर्म भरते हो तो ग्रेजुएशन ही मांग लेना उसमें थैंक यू मैम सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो मैं कहूँगी कि टेस्ट स्टार्ट टेस्ट देना स्टार्ट करो सिलेबस कंप्लीट हो इवन आपका आधा भी हो गया सिलेबस तो मैं कहूँगी कि आप कुछ चैप्टर तो आपके बनने ही लगे हैं तो आप फिर ट्राई करो कि आप फिर आप टेस्ट करें क्योंकि जितने भी फिर आप टेस्ट लगाओगे ना उससे मैंने टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर होगा तो प्रैक्टिस टेस्ट जितने हो इसी मैं कहूँगी कि क्योंकि आप तो ऑफलाइन जितने आ रहे हैं उतने भी ऑनलाइन भी आते आप ऑफलाइन लगा रहे हो बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं जितने भी और इसके बाद ऑनलाइन इतनी टेस्ट नहीं सकते तो आप मैं कहूँगी कि जैसे सिलेबस हो मेन मेन टॉपिक हो जाए आप स्टार्ट करो इधर पीछे किसी को पूछना है डाउट आप छोड़ दीजिए बहुत सारे लोग इवन में बताओ मैं दो महीने हो गए मुझे ज्वाइन नहीं हुए एक 65 ईयर के एक अंकल आए तो उन्होंने मुझसे जो काम किया मैंने कहा वेट ना करना पड़े मैंने उनका काम आधे घंटे में कम्प्लीट कर दिया एफडी रिन्यूअल का था बहुत सारा काम था मैंने कंप्लीट किया फिर लास्ट में एक काम था वो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने कहा कि आप सामने जो मैम बैठी हैं आप उनसे क्लियर कर दो मुझे इससे थोड़ा सा डाउट तो वो अंकल मुझसे कहते हैं तुमसे कुछ नहीं आता है अभी बहुत सीखना है तुम तो उसका तो मुझे बहुत आती थी कि आधे घंटे में मैंने आपका काम कम्प्लीट किया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं आता तुमसे कुछ नहीं आता ठीक है सर मैं ट्राई करूँगी कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तो आपकी जो आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता आप ये कहो कि मुझे बहुत कुछ आने लगा है तो आप जैसे सामने वाले ने कहा थोड़ा सा पेशेंस कर लो ठीक है तुमने कहा मैंने सुन लिया ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान मत दो थोड़ा सा क्या आप जैसे तुमने कहा मेरे दिमाग में थी वो बात लेकिन मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव ही लिया कि ठीक है तुमने कहा है तो मैं उस चीज़ को और ट्राई करूँगी कि कब तक मुझसे बैठी नहीं आएगी कभी ना कभी तो आएगी और उस चीज़ को बहुत पोलाइटली हैंडल किया बस आप ये सोचो आपको हर चीज़ पेशेंस भी रखनी है सामने वाले ने कहा आपसे नहीं हुआ तुमने कहा ठीक है तुम्हें लगता है नहीं होगा मुझे पता है खुद को पता होना चाहिए नहीं मैं कर सकती हूँ खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है थैंक यू और कोई है कहीं गलती हो रही है आपकी या तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको और बढ़ाने की ज़रूरत है आपकी एक बार अगर क्लास हो जाती है और आपको जहाँ डाउट हो रहे हैं आप उन डाउट पे बात करो साथ में जो चीज़ अच्छी है उसमें प्लस तो करनी ही है जहाँ आप जो चीज़ आपको रोक रही है आप उस चीज़ पर मैक्सिमम बात करो कि क्यों ये रोक रही है अभी तक आपका जैसे सीखा कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो क्यों क्लियर नहीं हो कहीं ना कहीं तो ये थे कि प्रैक्टिस में कुछ कमी तो रही होगी
क्या है यहाँ पे इतनी ऐसी होती है जब आप अपने रहता है कॉलेज में भी टॉप स्कूल में भी टॉप कर रहे हो कॉलेज में भी टॉप कर रहे हो तो आपको कहते हैं एक सक्सेस की हैबिट में पड़ जाता है तो आपको ये लगता है कि अरे आप फेल होने से डरने लगते हो आप डरते मेरे साथ क्या मैं हमेशा से ही ऐसा रहा है कि स्कूल भी ऐसे मिलना है तो मुझे फेल होने से डर नहीं लगता था ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मॉडल डाउन हुआ है फेल भी हुए हैं बहुत सारे लेकिन उस चीज़ का मैंने अपने पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने दिया ठीक है एक कॉन्फिडेंस बस रखो आप कि ठीक है कैंपस में सिलेक्शन हो गया आप जॉब के साथ कर रहे हो लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा कि आप बैंकिंग में जाए ऐसे तो आपने नहीं कि आप दो साल मैंने कंपनी में जॉब कर लिया है और मूड चेंज हो गया आप बैंकिंग में आए आपने बैंकिंग उसको सोच के चूज किया होगा कि मुझे बैंकिंग में आना है तो आप इतनी जल्दी क्यों रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप थोड़ा तो टाइम दो थोड़ा प्रैक्टिस करो जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि आप जॉब छोड़ के देन आप इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो मैं आपको बताऊँ मैंने 17 में SSC शेयर किया था जो मेरा क्वालिफाइड हुआ था इसके बाद खैर मैंने SSC का एग्जाम नहीं दिया उधर मुझे सिर्फ टाइपिंग से क्वालिफाइड करना था लेकिन मुझे पता था कि SSC शेयर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने शहरों की टाइप देखी है तो मुझे पता था कि कब टायर है कि मैं पॉसिबिलिटी है कि मैं नहीं कर सकती मैंने टाइपिंग छोड़ दी मैंने कहा फिर से ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगी लेकिन एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ तो आपको सिर्फ ये है कि आप कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में बस फेल होने से मत डरो क्योंकि आप बैंक में आए हो तो फेल होना तो बहुत कॉमन है लेकिन फेल होने के बाद जो मैंने बताया ना थैंक यू के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन तक का जो सफर है ना वो जितना टफ है उतना ही अच्छा है जब आप कॉन्ग्रेचुलेशन देखोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा जैसे मेरा जब पहली बार फ्री निकला था तो मुझे बिलीव नहीं था कि निकल जाएगा क्योंकि इतने सारे फ्री ऑलरेडी मैंने देख लिया था थैंक यू मैंने कहा यार और मैं 78 का अटैम्प्ट करके आई थी और मेरे साथ वाले 90 अटैम्प्ट करके आए मैंने कहा लो ये एग्जाम भी गया ठीक है फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये था कि चलो फिर ट्राई कर ले एक बार वो कॉन्फिडेंस ही था लेकिन रिजल्ट जब पॉजिटिव मिला तो वो कॉन्फिडेंस और बढ़ा ऐसे ही जितने भी आप अभी टेस्ट कराओ रिजल्ट प्रैक्टिस करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा बस ये है कि थोड़ा सा टाइम दो आप ये मत सोचो कि मैंने 2 साल जॉब कर ली है इसके बाद आपको 2 ही महीने में रिजल्ट मिलेगा या आप स्कूल में टॉपर रहे हो स्कूल कॉलेज में टॉपर रहे हो तो इधर भी आप टॉप कर सकते हो बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है और अपने आप पे विश्वास रखो Thank you so much, ma'am, for answering all of us so nicely. Now I would like to invite Gaurav sir and the guys for concluding this seminar. Hello, Nidhi. पहले तो निधि आपको बहुत-बहुत thank you क्योंकि अभी तक हमने बहुत seminar conduct कराए हैं but one of the finest. ये कोई बोगत तो नहीं है जो सोच रहे हैं कि सेमिनार खत्म होने वाला खुद ही लड़के बढ़ के आते हैं बाहर का देख सकता है 1:30 बजे कौन आता भाई अरे टाइम करे गए थे घर चले जाते हैं टाइम करे हैं हाँ ठीक गलती से ऊपर आ गए कोई बात नहीं और सबसे बढ़िया जब आप यहाँ ये क्रिकेट टोपी पहन के बैठे हैं इनका नाम याद कर लेना सर इनका अपन को पता होना चाहिए क्योंकि अब इनको निधि को बताना पड़ेगा ना कौन सा बैंक में सिलेक्ट हुए इनका सिलेक्शन भी तो पता होना चाहिए कि IBPS में गए जानकारी
कोई बच्चों में सर रिस्पॉन्ड कर रहा था, बात करना चाह रहे थे। जैसे एक बच्चे ने ये बोला है, बेटा आपने बोला था रीजनिंग का बहुत क्लियर है, आपने बच्चा पूछा था ना सवाल, तो आपने कहा मैम डेमो ही कर रहे हैं, नहीं तो एडमिशन हो गया आपका, नहीं अपन ने एडमिशन ले लिया बेटा या डेमो कर रहे हैं, एडमिशन हो गया फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा जल्दी तब बोला इसका इश्यू है। तो देखो फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी भी कॉमन प्रॉब्लम है उनके साथ, ये सिंगल इशू होता है कि जब आप क्लास में पढ़ते हो ना, तो जैसे मान लो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे पूछते हैं बेटा समझ में आया कि नहीं आया, तो आप में से तीन चार के रिस्पॉन्स कर देते हैं सर आ गया समझ में, हम लोग फिर पूछते हैं बेटा तो कोई डाउट है, तो आप लोग ना बोलते नहीं हो, और आप लोग नहीं बोलते हो तो हमको ये मानना पड़ेगा ना कि वो समझ में आ गया, फिर आपको टॉपिक भी आगे बढ़ाना है। कभी भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आएगा सबसे पहला काम करा करो फैकल्टी से तुरंत बात, ये हैबिट में लाओ अपने आप। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग उनसे बात ही नहीं करते, आप अपनी दुनिया बना लेते हो, दो लोग आपस में बुराई कर लेते हो, पता नहीं क्या बुराई कर लेते, सर का तो उसका काम है हरी हरी बात समझ में। आपको ये समझना होगा फैकल्टी भी एक इंसान ही है, वो अपने साथ घर की तरफ टेंशन भी लिए है, उसकी अपनी लाइफ भी है, शाम को पढ़ा रहे हैं परेशान भी है, दुख तकलीफ भी है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, लेकिन ये लाइफ किसकी कैरियर किसका है आपका, आप समझ रहे हैं हमारे लिए बैच होता है कि हमारे लिए बैच ओपन हुआ है, लेकिन आप हर बार फ्रेश होकर आ रहे हो, आपका हर बार एक कैरियर जनरेट हुआ है, तो ये कैरियर आपका है तो रिस्पॉन्सिव भी आपको होना पड़ेगा, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस फैकल्टी को पकड़ लो, मैं इसका समझ नहीं आया सर को पकड़ लो, सर मेरे को मैं समझ में नहीं आ रही आप क्या पढ़ा रहे हो, तो एटलीस्ट हमको पता पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ का है, तो आप उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा रीजनिंग समझ में आप सर को बोलो कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, तो आप लोगों ने टेंशन दे देते तो उनके ऊपर बात गायब कर दी। तो ये टेंशन देना जरूरी है, आप उन लोगों को बताओ कि नहीं तो उनको पता है तकलीफ ला पा रहे आप एड्रेस करना प्रेयर कर आप बैठना खड़े नहीं रहना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्लास में बोलना सीखो, बोलोगे नहीं हमको पता नहीं चलेगा बेटा कि गलती कहां कर रहे हैं, हमारी गलती हम उसको सुधारेंगे, अगर गलती होगी हम जाकर अपना होमवर्क करेंगे, कल आप और अपडेट करेंगे उस चीज को लेके, आपको प्रॉब्लम आ रही है सर बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है किसी में आ रही है, जैसे मैथ्स का आप कह रहे हैं अभी एक बच्चे ने किसी ने पूछा था आपसे कि सर और कितना लेवल बढ़ेगा बैंकिंग का, किसी ने पूछा था ना आपसे किस बच्चे आपने पूछा था बेटा, आपको एक बात बताते हैं राजीव सर अभिषेक सर मैं अभिषेक सर है ना कि आपके जो बैंकिंग आईबीपीएस के चेयरमैन थे उन्होंने ये से 5 साल पहले अपडेट कर कि आने वाले टाइम में जो आईबीपीएस होगा वो कैट के लेवल को क्रॉस करेगा और वो फेज आ चुका, मतलब अगर आप देखो आज आपका जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट पहले ही जारी कर दिया था कि बैंकिंग के एग्जाम आसान नहीं रहेंगे आने वाले समय में, ये टफ होंगे और ये मैक्सिमम लेवल जा चुका है, इसके बाद कोई लेवल नहीं बचता, आपके मैथ्स में डीआई आ रही है और एप्टीट्यूड के हर टॉपिक की डीआई आ रही है, तो लेवल आपका मैक्सिमम पीक पकड़ चुका है, तो आपको ये फियर नहीं करना है कि आगे और क्या लेवल बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, अगर आगे और लेवल बढ़ेगा तो क्लासेस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी, अरे फैकल्टीज का काम ही है ना हम लोग का ये एग्जाम को देखना कि एग्जाम किस डायरेक्शन में जा रहा है कितना अपडेट करना है हम लोग, तो वो टेंशन हमारा है, टेंशन आप लोग है कि आप पढ़ाई करना है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है तुमको वो पढ़ना है, आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप में से एक बच्चे ने ये पूछा था कि मैडम अगर कुछ पूछ रहे थे निधि से आपके मैडम ये आपने कैसे हैंडल करा प्रेशर, प्रेशर हैंडल सिचुएशन करवा दी आप और हैंडल कर सकते हैं, जो सिचुएशन हमारे पास में है ना तुम्हारे आसपास सर्कमस्टेंसेस है, जैसे दीदी ने कहा कि छोटे भाई बहन की रिस्पांसिबिलिटी आ गई थी मेरे ऊपर, राजा सर के ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी, तो ये जो प्रेशर होता है ना ये आपसे चीजें करवा दो, जब तक आपके पास कोई ऐसी मजबूरी ना हो आपको जब तक ये फियर ना हो अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपको एक बच्चे कह रहे थे मैंने अभी जॉब छोड़ी, अगर आपके पास जब तक डर नहीं होगा कि अगर मैंने रिटर्न नहीं दिया तो मेरा कितना मजाक करेगा, तब तक आप फुल फोकस होकर पढ़ोगे, जब तक आप एक ऑप्शन रखोगे ना अपने पास में आप फोकस हो ही नहीं सकते, आपको ये फिक्स करना पड़ेगा मुझे बैंकिंग करना है तो मेरे को बैंकिंग करना ही करना है किसी भी कीमत पे, आप सोच के देखो जब मेरी तैयारी कर रही थी हम आपको बताते उस समय का पूरा किस्सा चला कि होता जाता है कि जैसे ये लोग सब लोग आपके 7-8 लोग और पहले से आ जाए ना में शकील वगैरह सारे बच्चे तो ये सारे के करके सिलेक्ट होते जा रहे थे, बस निधि का सिलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन भी कैसे रुक रहा है कि सर पूरा कट ऑफ पार हो गया ओवरऑल कट ऑफ निकल गया सेक्शनल रुक गया और सेक्शनल भी किसमें जाकर होगा कंप्यूटर में, अब आप क्या जवाब दोगे बच्चे,
एक डेढ़ साल से तैयारी कर रहा है, हम क्या बोले इसको, हमको खुद में गिर के लड़ने लगता है, बच्चे का सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा, फिर क्या बात है इसकी। ये प्रेशर हैंडल करने में आसान बात नहीं है, आप पूरी तैयारी करो और आपके मेजर सब्जेक्ट निकल चुके हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग आप कहाँ जा चुके हो और आप कहाँ जाकर रुके, कंप्यूटर में जाकर रुके। और ये जितना सुनने में छोटा लगता है ना, ये मोमेंट उतना छोटा नहीं होता, ये पूरी तरह अंदर से ब्रेक कर देता है। कि मेरी पूरी साल भर की मेहनत देखो सामने पानी हो गई, फिर आपने पेपर ट्राई करा, फिर अगली बार जब वो अच्छी है आप होते, तो ये चीज बहुत तकलीफ वाली होती है। और ये सेमिनार कराने का पर्पस ही रहता है ताकि आप ये समझ पाओ कि बेटा फेलर्स एक या दो से काम नहीं किए जाते, काउंटिंग होती है आपके नोट एम से, क्या फाइनल वहां तक पहुंचना चाह भी रहे थे कि नहीं चाह रहे थे पहुंचना, थोड़ा समय लगता है कभी कभी, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं एक बार में सेलेक्ट होकर निकल जाते हैं, कई बार बच्चों के समय भी लगता है हमको, तो टाइम डिफाइन नहीं करता चीजों को, डिफाइन करता है कि आप कितना डिवोटेड हो चीज को, कि मेरे को वो चीज चाहिए है या नहीं चाहिए। आपने एक बच्चा कह रहा है कि सर वो लोग कहते हैं मैं बैंकिंग नहीं कर पाऊंगा, अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों को कहने से तो नहीं कर रही है क्या, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। जैसे नीति ने बताया कि हमारे पास सर लोग कहते थे कि इस पर पैसा क्यों लगा रहे, उनकी पैसा खर्च कर रही है, लोग ध्यान रखना उसी के बारे में बोलते हैं जहां लोगों को पता होगा कि अंदर से आदमी कुछ कर सकते, ये रियल में प्रकृति। अगर आपको कोई कहना है कि आप नहीं कर सकते, समझ लो सामने वाले के डिपेंड है, क्योंकि उसको समझ में पता होता है कि इनके अंदर पोटेंशियल है और अगर ये सही डायरेक्शन में निकल गया तो पार हो जाए और वो आपको खींचने में पूरी जान लगेगी। वो इतना डर रहेंगे आपके अंदर, इतना निगेटिव बोलेंगे आपको कि आपको लगेगा यार सब खत्म ही होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता। तो कभी ये तो सोचना ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सोच के देखो बैंकिंग एग्जाम कोई भगवान नहीं है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, एसएससी हो बैंकिंग हो आईएएस कुछ भी हो, एग्जाम अपने से बड़ा नहीं होता, आपके सोचने का तरीका छोटा या बड़ा होगा। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर भगवान भी आपको एग्जाम पास नहीं करा सकता, पहले तो कॉन्फिडेंस आपको खुद में लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। पढ़ाई ईमानदारी से पढ़ाई करना जरूरी है, उसके बिना कोई कहानी बची नहीं जा सकती। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा, आज का सैलरी क्या है, जैसे बता रहे हमने निधि शकील अर्जुन मेगा इनके बैच में लड़की थी, ये इन लोगों को हमने दिन दिन भर लाइब्रेरी पढ़ते हुए देखा है, और ये कैसी लाइब्रेरी में पढ़ते थे वो भी हम आपको बता दें बेटा, जीरो बेसिक लाइब्रेरी से। आजकल की लाइब्रेरी में तो एसी है, ये कंपनियां वाली सुविधा है, ये बच्चों ने तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई करी उस समय, और उसके बाद फिर इन्होंने फाइनल सिलेक्शन था यहाँ पर। तो करते तो रहना पड़ेगा, ऑप्शन ही है अपने पास में, आप इतना पढ़ के आ गए फ्री भी निकल गया, मेंस में आपका थोड़ा बहुत रुक रहा है, एक ट्राई और से, दो ट्राई और से, तीन ट्राई और से, हो गई होगा सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं। और ये दिन देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि पहले जो पेरेंट लोग कंप्लेन करते थे आपको अपने बच्चों को भेजने आने के बाद कि काउंसलिंग कर दो, मेरा बैंकिंग की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, तो ये चीज होती है, लेकिन ये कब होती है, जब आप सिलेक्ट हो जाते। जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, ये रास्ता पार करना उतना ही कठिन है। अगर सोचे इतना ही आसान होता तो हर बच्चा पास में नहीं कर जाता, जॉब लेना इतना आसान नहीं है भाई। और अगर आपने प्राइवेट में जॉब करी तो आपको पता होगा प्राइवेट में कल्चर कैसा है, प्राइवेट में आप कब तक काम करोगे यार, एक समय के बाद तो आपको कुछ चाहिए ना सिक्योरिटी। आज अपने कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ प्राइवेट वालों में, आज गवर्नमेंट के पास डेटा भी नहीं कि कितने लोगों ने सुसाइड किया, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब ऐसा सेक्टर था ना, सिक्योरिटी थी अपने पास में, और मिडिल क्लास तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते इसलिए क्योंकि उनको सिक्योरिटी थी, और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात की सोशल स्टेटस बहुत मिलता है। अब कभी सोच के देखो तुम में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं, स्पेशली गर्ल्स, आप लोग बैंकिंग में गर्ल्स सेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, कि आज आपकी कोई रेपुटेशन नहीं होती घर में, लेकिन आप सोचो फील करके देखो इस चीज को, अगर आपका पीयू में सिलेक्शन हो जाए आपकी रात रात इन्हें बदल जाएगी, आपके पेरेंट्स से बात करने का तरीका, आपके पड़ोसी की बात करने का तरीका, अगर आप मैरिड हो तो आपके ससुराल में हस्बैंड की बात करने का तरीका, ये सारी चीजें रात रात बदलेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी नहीं लगेगी भाई, बिना मेहनत के कैसे काम होगा। ये चीजें बहुत एक लाइफ को ऐसा देती है ना आपको देखने के लिए, जैसे निधि ने बताया कि पहले जब आपका था थैंक यू से लेकर कॉन्ग्रेचुलेशन तक आता है, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो ना और जब पहली सैलरी मिलती है वो दिन ही अलग होता है। जैसे जब हमने एक्सचेंज में ज्वाइन करा था हमको पहली सैलरी मिली थी तो कैश मिली थी, उसमें अकाउंट नहीं खुला था, तो जेब में हाथ रखकर घूमते रहते थे, वो बहुत अलग चीजें होती है। जब आप जॉब ज्वाइन करते हो, आप वहाँ वर्किंग करने जाओगे, सोसाइटी का नजर ही आप लोगों के बदलता है, जैसे हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ ड्रिंक करना बहुत ज्यादा दिख जाता है, जैसे हमारे फादर है वो अपनी दुनिया में रहते हैं, हमारे लगता है हमें पैसे दे दे तुम पढ़ो तुम्हें पढ़ना है जो करना है, तो हम लोगों के क्या कहा कि जैसे हमारे ननिहाल मौसी मामा वगैरह रहते हैं तो वो अपने बच्चों को हमसे दूर रखते थे,
जो रखने के हैं वो उनके फादर ऐसा ऐसा करते हैं और हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे आपके साथ में। बट जब हमारा सिलेक्शन हुआ और अपने हम इंस्टीट्यूट उठते हैं तो आज उनके बच्चे उनके बच्चों के बच्चे सिर्फ हमारे पास कैरियर गाइडेंस के लिए। तो ये चीज हासिल करने के लिए ना आज मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ध्यान रखो इसका नाम ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, या कंपटीशन ही कर रहा है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे निकल जाएगा यहाँ से। तो बिना मेहनत के तो भाई कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप सोच के देखो, निधि ने बताया 2015-16 से तैयारी शुरू करी, ठीक है, 16 से काउंट करते पर 16-17-18-19-20 में आ गया को। फैमिली से प्रेशर आ रहा है, चलो वेल ये था क्योंकि फैमिली सपोर्टिव थी, नहीं तो कई केसेस में ऐसा होता फैमिली भी सपोर्टिव नहीं थी, कई केसेस में ऐसा होता है लोग उससे भी बाहर निकल के आते हैं चीजों से। था एक बात और एक बात ध्यान रखना होते हैं, जो आप लोगों को बताया जाता है कि इतनी मेहनत करो, ऐसे पढ़ना है, इतने टेस्ट लगा के करना है, फॉर द टाइम बीइंग है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। आपसे जो मेहनत करने को बोला जा रहा है ना वो सिर्फ एक साल के लिए बोला जा रहा है कि आप 6 महीने 1 साल की मेहनत कर लो, बाकी लाइफ को बढ़िया मैनेज करनी है। बाकी आपसे ऐसा थोड़ी बोला जा रहा है कि आपको लाइफ टाइम ऐसे करना है, डिटेलियों के आपको 8-8 घंटे पढ़ना है, 10-10 घंटे पढ़ना है, नहीं करना है ऐसा। ये कितने टाइम करना है खाली आपको, मुश्किल से मुश्किल करना है 1 साल। एक साल में आप इतना प्रिपेयर हो जाओगे कि फिर आपको एग्जाम का क्लियर करना होगा, फिर आपको बस लास्ट में प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम देना, लास्ट में प्रिपरेशन करनी है एग्जाम, इतना आप क्लियर कर पाएंगे। तो मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक बच्चा आपने से कह रहा था कि सर वो इंग्लिश से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, भाई सेटिस्फेक्शन तो माँ बाप को हमसे भी नहीं मिलता, लेकिन वो भी अपना है ना इतना है उनको, तो भाई चॉइस थोड़ी है कि इंग्लिश सब अच्छी लगती है, मजबूरी है हमारी, कंपल्शन अरे नहीं आदि बात पढ़ना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम क्रैक करना नहीं पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। अब ये नहीं कह सकते कि मेरे को मैथ्स अच्छी नहीं लगती, हम नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम कैसे निकलेगा फिर भाई। मैथ्स में प्रैक्टिस की बात आ रही है, और जैसे प्रैक्टिस आप लोगों को ज्यादा करती है, उससे पहले अपने बेस कॉन्सेप्ट क्या करते हो। मैथ्स का बहुत इशू है बैंकिंग में और रहेगा इशू, मैथ्स का लेवल बहुत हाई आ चुका है, ध्यान रखना ही, इसलिए पढ़ाई बहुत लगेगी आपको। अभी अगर आप लोगों ने मैथ्स का वॉल्यूम कर दिया आप लोगों सभी को बैंकिंग वालों को, तो बुक देख के समझ में आ रहा होगा आपको, वॉल्यूम तो आने वाला है लोगों पास में। तो पहले तो बेस कॉन्सेप्ट डेवलप करो और प्रैक्टिस की आदत होता है, प्रैक्टिस बार बार की जाती है। आप लोगों में क्या आदत है, आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया क्रॉस कर लिया तो एग्जाम के बोर्ड नहीं लगेगी, एग्जाम के क्वेश्चन। और बैंकिंग सेक्टर में तो सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑफलाइन कंटेंट में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज कुछ व्यवस्थित चीजें मिल जाए, तो वो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए चीजें मिलेंगी नहीं। तो जब आपके पास बुक्स अवेलेबल हो गई है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तीसरे दिन पढ़ते और फिर आप आ जाओगे कॉन्सेप्ट लगा के, तो वहां दिक्कत जाती है। आपको डेली बेसिस पे प्लान शेड्यूल के तहत ही पढ़ाई करनी होगी, यहाँ पे जितना क्लास में पढ़ाएगा उतना तो पढ़ना ही पड़ता है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाने हैं, मुझे ऑनलाइन कंटेंट भी देखना क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, पेपर पे भी नजर रखनी है, पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के नहीं आ रहे हैं, बहुत कुछ मिला जुला के फिर फाइनल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। बहुत जल्दी तैयारी से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, जल्दी नहीं होने वाला कोई मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है कि कैसे कितना टाइम लगाना है बिल्कुल, ठीक। और कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम कंक्लूड करेंगे, और बात हो तो पूछना आप लोगों को, ठीक है। हाँ मतलब कैसे देखो बच्चे, आपको जो की जानकारी सब्जेक्ट वाइज वो आप अगर फैकल्टी से पर्टिकुलर पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको, सर की बात करवा दूंगा बच्चे की, तो आप बात करते हैं ना वो आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो उनके मैटर कैसे आपको बेटर गाइड करेगी। जैसा मैथ्स का पूछूंगा मैथ्स का बता देंगे आपको कि मैथ्स में आपको कैसे कैसे जाना है, अगर आप इंग्लिश का पूछूंगा इंग्लिश का नहीं बता सकते हैं, तो समझ रहे, वो आपको आपकी फैकल्टी बेहतर बताएगी। अब हम बताएंगे हमारे जमाने का बता दो, हमारे जमाना तो उधर के वक्त हो गया है, कितना अपडेट हो चुका है चीजों में, तो मैथ्स में नजर रखेंगे, इंग्लिश में नहीं रखेंगे। मैं बताऊंगा कि मैथ्स का आपसे पूछ रहा है कि आप दूसरा कितना अपडेट दे रहे हैं कंटेंट बच्चे को करके। बेटा बेसिक के लिए सिर्फ एक चीज है, बेसिक के लिए आपको अगर क्लियर करना है तो एक बार ध्यान रखना, जैसे भी आपकी जो बुक बनी है ना वॉल्यूम में, वो बहुत मैच्योर वे में बनाई गई, मतलब उसमें ये तक ध्यान रखा गया है कि जो बेसिक बच्चा है उसको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बेसिक क्लियर करने का एक आप बार ध्यान रखना है, जो पहले से क्लास पढ़ाए ना वो आपको पढ़ना है, और आपको क्या करना है, जो शुरू से 3-4 क्लासेस
क्लासेस होती है, ध्यान रखना ये बात, जो शुरू की 3 से 4 क्लासेस है उनको रिपीट करो जब तक टॉपिक हट ना हो जाए। तो मैं कहना नहीं आ रहा है आपको, जो 3-4 क्लास होती है ना बेटा, अगर वो बेसिक अपने हाथ में आ जाता है एक बार, तो फिर आगे क्वेश्चन तकलीफ नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कहां का है, बन के अपन अपने हिसाब से पढ़ो, हिसाब से पढ़ने का मतलब पहले दिन तुमने अच्छी पढ़ाई करी टॉपिक समझ में, दूसरे दिन अच्छे दिन पढ़ाई करी समझ में आ गया, अब तीसरे दिन गैप लग गया, तो जो तीसरे दिन का गैप लगा है ना वो चेन ब्रेक कर देता है। तो भाई मेरी बात है, तो ये चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो तुम लोग की आदत है ना आधे घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना, ऐसी तैयारी नहीं होती। कम से कम अगर आपको मैथ्स पढ़ाया एक घर पे 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा आपको, आपको पूरा लेक्चर पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने, पुराना रिवाइज करना है, आप लोग रिवीजन गलत तरीके से करते हो, आप लोग रिवीजन कैसे करते हो, पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर तुम रिवीजन करते हो, ये उलट एक अलग ही डायरेक्शन में। आपको क्या करना है कि जो अपन पढ़ते जा रहे हैं ना उसका रिवीजन आपको या तो कर लोगे हर संडे को रिवाइज करेंगे, या 15 दिन पर रिवाइज करेंगे, मंथली रिवाइज करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने टाइम एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा था, अभी रिवीजन कर लो, तुम 4 महीने बाद तब तक आधे कॉन्सेप्ट तो वैसे गायब हो जाएंगे तुम्हारे। और अगर यही प्लान तुम ये कर लो कि आज टाइम एनालिसिस पढ़ाया था मैं इस घंटे को इस टॉपिक का रिवीजन कर लूंगा, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ और वो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बना रहेगा। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर आएगा। एक बार प्रैक्टिस छोड़ दो तो वो कॉन्सेप्ट डाउन हो जाएगा, तो उनको परेशान करेगा बाकी सप्लाई करने में। और आज के टाइम तो आपका एप्टीट्यूड में जो आ रहा है, जो डीआई सेक्शन आ रहा है, उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत शार्प चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट शार्प होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, हर चीज मेंटेन करना है, तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि 1-2 घंटे की पढ़ाई में काम होता है तो नहीं हो पाए, दिक्कत आएगी, 1-2 घंटे नहीं कर सकते, समझाएंगे बच्चे क्वेश्चन कैसे नहीं बनेंगे। एक बात बताओ, आपको हमने पढ़ाया आज, हमने एक टॉपिक पढ़ाया थे उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन हमने किताब में इनिशियल करा रखे हैं, कैसे नहीं बनेंगे? ठीक है, अच्छा एक बात ऑनेस्टली बता, परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था, क्वेश्चन कहां से आया? सर पीडीएफ से लगाया था, सर ने पीडीएफ दिया था, पीडीएफ अरे तो 20 तक पहले से बन रहे तो रुक जाओ, पहले दिन में पूरा परसेंटेज थोड़े लगाना है। आप एक बात समझो, बच्चे पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे एक बच्चे ने पूछा था मैडम टेस्ट पेपर कब लगाना चालू करें, तो टेस्ट पेपर बेटा कब तक नहीं लगाना जब तक आप 50% 70% सिलेबस नहीं कर लेते। अगर आपने मान लो क्लास अटेंड करी, आपने सीएमसी को ज्वाइन करा, ठीक है, और आपने क्लास करी 7 दिन और आप चले गए फैकल्टी देने, 0 नंबर आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्यों? वो पढ़े नहीं तो उसमें नंबर कहां से आएंगे? ये भी गलती आप कर रहे हैं, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एक दिन में पढ़ाया है। सर क्लास में पढ़ा दिया था सर, और फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा था, सर की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी फिर, तो काय मत कर तो वो तो आपका है बेटा, गलती कहां हो रही है, गलती कनेक्टिविटी में हुई। आपको हम एक बात बता रहे हैं, जो कंटेंट बनाया ना व्यक्ति का, ये हम यहाँ से ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि जो बुक्स आपकी बनाई है
एक शेड्यूल्ड प्लान में आपको करना पड़ेगा, मिनिमम कितनी भी कंडीशन बुरी हो, तबीयत खराब हो जाए, घर पे कुछ इमरजेंसी आ रहा है, कुछ भी हो जाए, कोचिंग में 15 मिनट आ जाए और 15 मिनट पहले आके क्या पढ़ लो, जो आपने कल पढ़ा था क्लास में उतना पढ़ के तो तुमको आना ही है जितना क्लास में पढ़ाया है। अगर तुमने उसमें हम कार्य करे तो फिर हम तुम्हें नहीं सीख पाएंगे। एक आध बार ऐसी स्थिति होती है कि नहीं पढ़ पाते किसी कारण पर, लेकिन ऐसा नहीं करना चलो यार कल का कल पढ़ लेंगे, दोनों क्लास का एग्जाम पढ़ लेंगे, ये नहीं करना। ये एक दिन का इकट्ठा होगा, दो दिन का इकट्ठा होगा, तीन दिन का चार दिन, और ये चेंज बन जाएगी, बहुत बीमारी गलत हो गया पता ही नहीं पड़ेगा, बात सर सर कह लीजिएगा, तो ये गलती नहीं करनी पड़ती, समझ इतना ध्यान रखना भाई, ठीक है, समझ पा रहे हो की बात क्लियर है सर, और तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को, तो बढ़िया से पढ़ो। नितिन बहुत बहुत थैंक यू आपको आगे बच्चों को समझाने के लिए सारी चीजें, आगे आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि अगर आप कभी और भी आगे बढ़ना चाहो तो उसके लिए आप तैयारी करते रहो, क्योंकि जैसा कि नितिन ने बोला था कि रिवेन्यू में जब इतना फोन आया हमारे पास बात रिवेन्यू में हो गया, तो ये इससे बहुत कम स्टूडेंट सामने आते हैं कि जब नितिन ने ये बोला था कि सर मुझे इतने सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मुझे ये काम करना तो मैं इतनी पढ़ाई नहीं करूँ, तो ये चीज अपने अंदर बनाए समझ कहते नहीं सेटल नहीं होना है, जो आदमी सेटल हो गया ना वो आगे नहीं बढ़ सकता, ये नियम है। आपको प्लान कर लेना कि हाँ पीओ तो एटलीस्ट पहुंच नहीं पहुंचना है, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि हमें तो पीओ बने रहने आगे की तैयारी को सॉल्व करना, तो ये चीज बहुत अच्छी है, जितने वो बात मानी और उन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और उसके बाद आगे उन्होंने काम करा। जैसे एक और चीज बात बताना भूल गया हमको, निधि ने एक बात बताई कि सर उन्होंने ये काम था जब मैंने तैयारी कर ली थी, जब उन्होंने बताया कि रात को 10 बजे से 5 मिनट तक स्टडी कर ली, बताया था नहीं बताया था कि इनकी वर्किंग होती थी, इनके ऊपर प्रेशर बहुत था काम का, अपनी रात को 10 बजे से पढ़ना चालू करती थी सुबह के 5 बजे तक। ये जिस दिन आपके अंदर आया मतलब आप जब सब छोड़ने की हिम्मत जुटा लेते, सब छोड़ने का तो समझते हो, दोस्त छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, मोबाइल सबसे पहले छोड़ दो, मोबाइल बैंकिंग वाले बच्चों को रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा कनेक्शन में रहना पड़ता है, उतना ही यूज करो जितना तुम्हारे काम का है, 24 घंटे मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप पढ़ोगे तो आप अपना बता दो मुझे इतने टाइम ऑनलाइन पढ़ना है, उतने टाइम में मोबाइल निकाल दो, पूरे टाइम मोबाइल नहीं कैरी करना है, आप जब ये सारी चीजें छोड़ के और पूरा डिवोटेड होकर पढ़ने के लायक जैसे बन जाओगे ना, उस दिन सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये जब अपनी नींद खुलती है ना, सबसे पहले क्या ढूंढता है, नींद खुलती है मोबाइल में छोड़ते नहीं ढूंढते हैं, जैन मार्केट में ऐसा लगा है देखा हमारे पढ़ा के खराब तेल के व्यापार चलते हैं ना सर, उस लोगों को देखना होगा ना इनके नुकसान तो नहीं होंगे व्यापार में, ये सबसे बड़ा शराब है स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल, ध्यान रखना ही बात, ये ऑनलाइन स्टडी के जितना अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास में वो सिर्फ 10% है, 90% जहर है आपकी लाइफ, तो उसको सिर्फ उतना यूज करो जितना जरूरत रखो, या रखो भी साइलेंट मोड पे रखो, पता ही नहीं चलेगा फोन आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है और आता भी नहीं किसी का फोन नहीं आता, ये सब चीजें नहीं, बढ़िया से पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ी मुड़ी ना संडे